हेलो हेलो हेलो, प्लीज सेटल ऑन फास्ट, जल्दी ऑन द लेफ्ट साइड, प्लीज स्टार्ट सिटिंग एवरीवन। हेलो हेलो, ऑन द लेफ्ट साइड बेटा, चाय बैठ के पी ले, कोई बात नहीं है। परफेक्ट, अतुल एक सेकेंड, इधर जो बैठे हो कैमरा को टच करने का नहीं, ऑलरेडी किया है, आई डोंट वांट दैट, ओके? एट द बैक, शैलेंद्र डोर बंद कर दो, मतलब डोंट लिटरली लॉक इट कि लोग मारेंगे, हाँ वैसे बंद कर दो बस। Can we have some silence, please? बेटा अब सब फोन्स अंदर, अपने को कोई फोटो चाहिए नहीं, अंदर रख लो, कोई बात नहीं। Can we get started now? Okay, good afternoon everyone. Still morning, but yeah, very close to afternoon. I said good morning everyone once again. Good. Now, we're going to start with the next subject, auditing. Agar shanti se baithoge, sunoge baat, to samajh mein aayega. मेरे को बस में बाजू वाले से बात बात करना नहीं चाहिए, ग्रीन टी शर्ट, समझ गया ना? आई हैव फ्यू क्वेश्चंस, पहले मेरे को तुमसे उसका आंसर चाहिए, फिर हम डिसाइड करेंगे कैसे चलने का है, ठीक है? क्या हो गया? हाँ, सबसे पहले सेम क्वेश्चन, आईसीएम मॉड्यूल्स ऑडिट का ओपन किया कभी? ऑडिट का तुमको बहुत सारा मॉड्यूल्स आया होगा, कभी देखा तुम लोगों ने आईसीएम मॉड्यूल्स ऑडिट वाला? वहां पर आपको एक ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट्स करके छोटा सा बुक देखेगा, ऐसा कभी देखा कि ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट्स का बुक है? पीछे बेटा टेंशन मत लो, कल वहां पे एडिशनल चीजें आ जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट। आज के लिए सुनो मेरा बात पहले, अभी के लिए। हाँ, ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट्स का बुक देखा है क्या आप लोगों ने कभी?
देखा है कभी? अच्छा नाइस। हैव यू हैवर हर्ड अबाउट ऑडिटिंग? चलो एनी वन हु वॉन्ट्स टू एक्सप्लेन मी वॉट इज ऑडिटिंग तुम्हारे हिसाब से, रेज योर हैंड्स, आई विल अलाउ यू टू टॉक आराम से। हाँ टू गिव एन ओपिनियन, मैं बोलूंगा वो क्या बोल रहा है टेंशन मत लो। टू गिव एन ओपिनियन आफ्टर चेकिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इंटरनल कंट्रोल, कंप्लायंस ऑफ वॉट? कंप्लायंस ऑफ कंपनी, कंप्लायंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अरे तुम कमेंट मत करो, मेरे को सुनने दो, लेट मी रिएक्ट फर्स्ट। हाँ बस ओके। एनीवन एल्स? इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिपोर्टिंग फ्लॉज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके मतलब रिपोर्ट के अंदर हम प्रॉब्लम्स क्या क्या वो बताते हैं, ठीक है। अनबायस्ड स्क्रूटनी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नॉट बैड नॉट बैड, ठीक है। एनीवन एल्स? और क्या तुम्हारे सबसे? हाँ इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। खड़ा हो जा बेटा, खड़ा हो जा। नहीं नहीं अभी सुनो, व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट? कंपनी का बैलेंस शीट फाइनेंशियल शीट होता है, और कुछ होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंजेस इन इक्विटी। अच्छा हाँ ओके एक सेकेंड, दिस साइड एनी वन सिट डाउन। ऑडिटिंग तुम्हारे हिसाब से ये सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने ऑडिटिंग होता है क्या? कंप्लायंस? क्या शांत हो गए तुम लोग यार, तुमको सेक्शन 138 से 148 पढ़ाया गया? ऐसा मैंने कुछ नहीं बोला है। क्या मैंने यहां पे आके ऐसा कभी बोला? ठीक है ओके ओके, विल गो देयर विल गो देयर, ठीक है। हाँ टाइप्स ऑफ ऑडिट, ओके, कंपनी ऑडिट, स्टॉक ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट। अच्छा कॉस्ट ऑडिट भी सिखाएगा तुमको कॉस्टिंग में? क्या बात कर रहे, कॉस्टिंग में तुमको कॉस्ट रिकॉर्ड्स, कॉस्ट ऑडिट नहीं पढ़ाया तुम लोगों को? ये पढ़ाया होगा यार, कॉस्ट रिकॉर्ड्स कॉस्ट ऑडिट तो पढ़ाया होगा, सेक्शन 148 पढ़ाया होगा ना यार? नहीं पक्का? अच्छा अब मेरा बात सुनो, इनफ, तुमसे मैं और कुछ नहीं पूछना चाहता हूं, दैट्स इट। अभी मेरा बात सुनो शांति से, आई कैन नॉट गिव यू अ डायरेक्ट आंसर, ये ऑडिटिंग है, विल गो देयर स्लोली स्लोली इन स्टेप बाय स्टेप मैनर। दो तीन चीज पहले बोलता हूं, देन विल स्टार्ट विद द सब्जेक्ट। इन द मिडल ऑफ द ओवरऑल लेक्चर आई विल स्टार्ट गिविंग यू मोर इंस्ट्रक्शंस आल्सो, जस्ट फॉलो देम। सबसे पहला चीज, ये तुम्हारे लिए ना एक नया लैंग्वेज है पूरा का पूरा, दिस इज समथिंग यू हैव नेवर स्टडीड एंड दिस इज नॉट समथिंग which you have already understood in certain other subject, as a understanding bhi thoda kam rahega comparatively. To please ek pehla cheez to open mind se samajhne ka try karna, aur pehla kam se kam 5 se 10 din main chahta hu aap shanti se suno samjho dheere dheere, aur dheere dheere aapka doubts aur clear hona shuru hoga. Ye bolna bahut galat hoga day 1 pe main aunga aur main aapko 2 ghante mein samjha dunga auditing kya hai, that will not be rational on my part because it is not that simple. It is in itself a industry. अगर आप मुझे पूछेंगे have you heard of big fours? Like PwC, EY, KPMG, Deloitte, right? मतलब आज इतना बड़ा entities globally काम करता है, और जो हम auditing पढ़ेंगे ऐसा नहीं है कि auditing आपको US में कुछ और अलग पढ़ाया जाएगा. Yes, standards अलग होते हैं, थोड़ा उनका application अलग होता है, but ऐसा नहीं है कि वो conceptually बिल्कुल ही अलग होते हैं. That is not how it works. थोड़े compliances अलग हो सकते हैं, थोड़ा काम करने का mechanism अलग हो सकता है, but जो concept है वो same ही होता है. यहां पर audit के अंदर जो आप opinion देंगे वहां भी opinion ही होगा. यहां जैसा reports बनाया जाएगा उसका ही very close reports वहां बनाया जाएगा. फिर तुम चाहे US में audit कर रहा है या Europe में audit कर रहा है, मतलब आपने सुना होगा ACCA and CPA, सुना है क्या आपने? In India we do CA, right? In US there is something called as CPA, and in Europe it is ACCA.
फिर आपका कनाडा का सीपीए होता है, मतलब ऑडिटिंग आपके लिए एसेंशियल है, मतलब अकाउंटिंग प्रोफेशन में अगर आप हो नॉर्मली तो ये एक चीज समझ लीजिए कि थोड़ा अकाउंट समझने के बाद में, थोड़ा टैक्सेशन समझने के बाद में, थोड़ा लॉ समझने के बाद में आदमी को ऑडिटिंग पढ़ाया जाता है, मतलब इन जनरल एक्सपेक्टेशन है बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स, बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन एंड थोड़ा अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ आपको है तो जाके आपको ऑडिटिंग का अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली आना शुरू होगा, ये एक एसेंशियल चीज रहेगी। तो एक काम करते हैं, लेट्स स्टार्ट विथ वेरी वेरी बेसिक, सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विथ द मीनिंग ऑफ द वर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेट्स स्टार्ट विथ द वर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हैव यू हर्ड द वर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट? व्हाट ऑल इज इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? डू वी हैव बैलेंस शीट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? पक्का? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है क्या? कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है क्या? नोट्स टू अकाउंट्स आता है? पक्का? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एसओसीई, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये एक और चीज है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होती है। एक बात बताओ, एक लिस्टेड कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने का है, कहां मिलेगा? स्क्रीन पे नहीं मिलेगा, मतलब एक लिस्टेड कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने का कहां मिलेगा? देयर इज अ रिपोर्ट। आई वॉन्ट टू नो अबाउट दैट रिपोर्ट। हैव यू हर्ड द वर्ड एनुअल रिपोर्ट? सुना है क्या आपने ऐसा? पक्का? चलो एक काम करते हैं, मेरे को बहुत पसंद है, ठीक है, नंबर्स वगैरह सुने होंगे आपने, ये सुना है क्या? रेवेन्यू, नेट प्रॉफिटेबिलिटी, हैव यू हर्ड द वर्ड एटलीस्ट? रेवेन्यू क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या होता है, सुना है क्या वर्ड्स? एटलीस्ट आपने वर्ड्स तो सुने होंगे कम से कम, एटलीस्ट थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ओवरव्यू। ऐसा क्यों? आपके हर क्वेश्चन का आंसर आपको धीरे धीरे समझते जाएगा। अब बस थोड़ा सा प्रोसेस को ट्रस्ट करो और आपको धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग अपने आप इवॉल्व होगी। पहले एक वर्ड, अभी ऑडिटिंग को भूल जाओ, लेट्स जस्ट फोकस ऑन वन वर्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट? देखो बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर टेक्निकली, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर टेक्निकली पांच चीजें आती है, बैलेंस शीट, योर इनकम स्टेटमेंट दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, योर कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा है आपको अगर अकाउंट्स के अंदर? पढ़ा है क्या? तीनों एक्टिविटीज बनाया होगा, मैच करना सिखाया है, पक्का ना? मजेदार चीज होती है, राइट? देन नहीं होती है क्या? मजेदार चीज होती है यार कैश फ्लो स्टेटमेंट। अदर मेरे आर्टिकलशिप के इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन, आई नॉट द फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन यही था। आर्टिकलशिप के इंटरव्यू के अंदर एक क्वेश्चन था, उन्होंने कैश फ्लो स्टेटमेंट का प्रिंट आउट दिया और बोला इसको टैली करके दिखाओ, तीनों एक्टिविटीज, कैश एंड का ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, समझा क्या कि मैच होता है कि नहीं होता है? ये जब मेरे टाइम में आदमी सीपीटी करने के बाद आर्टिकलशिप करता था। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। तुमको तो इंटरमीडिएट में बहुत सिखाया है, फिर आर्टिकलशिप के लिए जाओगे, तुमसे तो और क्वेश्चन पूछेंगे भर भर के। मेरे टाइम पे तो एक्सपेक्टेशन था ये इसको आएगा ही नहीं, बट आई वॉज फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड, हमको एटलीस्ट बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए थे, यू नो व्हाट आई मीन, राइट? समझ तब भी नहीं आया था, समझ बहुत बाद में आया था, तब एटलीस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए थे, मैकेनिज्म मालूम था क्या है एटलीस्ट, सो आई कुड सॉल्व इट। सो आई एम ट्राइंग टू से ये चीजें जो है ना, मतलब आपको बहुत लाइटली लगेगी, आसान लगेगी, बट इंटरव्यूज के अंदर, पोस्ट क्वालिफिकेशन या इवन ड्यूरिंग आर्टिकलशिप बहुत रेलेवेंट रहेगा आपको। मतलब बहुत ऐसे क्वेश्चन रेगुलरली, मतलब ऑन अ डेली बेसिस पूछे जाएंगे ऐसा, एंड पीपल अराउंड यू व्हेन दे आस्क यू दिस क्वेश्चन, ये एक्सपेक्टेशन है। इफ यू आर अ सीए स्टूडेंट, आंसर तो बनता है, एटलीस्ट कुछ तो आंसर बनता है, यू नो व्हाट आई मीन, राइट? सो टॉकिंग अबाउट द वर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पांच चीजें आएगी मेरे पास में, बैलेंस शीट, तो एक काम करते हैं, लेट मी टेक यू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल रिपोर्ट में आपके पास में बहुत सारा कंटेंट होता है। आपको एनुअल रिपोर्ट लॉ में पढ़ाया है क्या? बोर्ड रिपोर्ट पढ़ाया है लॉ में? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट नहीं पढ़ाया तुमको लॉ में? तुमको डीआरएस भी पढ़ाया होगा, डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। मैं बहुत परेशान करने वाला तुमको बता रहा है। देखो एक बात समझ लो मेरा बात, इधर भर भर के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आएंगे, भर भर के लॉ के प्रोविजन आएंगे, और अच्छा वाला डीटीजीएसटी भी आएगा। मैं आपको बहुत क्वेश्चन पूछेगा, मैं आंसर दूंगा, मैं टेंशन मत लो, पहले परेशान करूंगा आपको मैं, क्यों? मेरा ऑब्जेक्टिव एक ही है यार। जब आप ग्रुप वन के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे थे, आप स्टार्ट कर रहे थे एक नया शुरुआत, राइट? ऑन दैट टाइम मे बी पहला आपका ऑब्जेक्टिव था कि मेरे को ये सब्जेक्ट थोड़ा समझ में आना शुरू हो। जब आप एक्चुअली एक ऑडिटर के शूज में एंटर करेंगे, आपका थोड़ा पर्सपेक्टिव बदलना बहुत जरूरी है, थॉट प्रोसेस बदलना जरूरी है कि मेरे से इस चीज के ऊपर क्या क्वेश्चनिंग किया जा सकता है, मुझे क्या क्वेश्चंस पूछने हैं। इस एटीट्यूड को एक वर्ड दिया है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म।
पढ़ाऊंगा ये वर्ड आपको, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म करके एक क्वालिटी है जो ऑडिटर के अंदर होनी चाहिए. इट्स बेसिकली क्वेश्चनिंग माइंड. इफ आई डोंट हैव दैट, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली डू जस्टिस टू माई ऑडिटिंग प्रोफेशन. मतलब ये एक स्किल सेट आपको धीरे धीरे डेवलप करना पड़ेगा. तो इसीलिए मेरा क्वेश्चन करने का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आपको जेन्युइनली परेशान करना है, करना है पर ज्यादा परेशान नहीं करना है. मेन ऑब्जेक्टिव ये है आपको माइंड सेट डेवलप करना है, बिकॉज वेन वी गो फॉर आर्टिकलशिप मेजोरिटी ऑफ यू विल हैव टू चूज ऑडिटिंग. सम ऑफ यू विल चूज टैक्सेशन एज अ डिपार्टमेंट, बट मेजोरिटी पीपल ओपन एंडेड जो रहता है वो ऑडिटिंग डिपार्टमेंट रहता है आपके आर्टिकलशिप के लिए. ऐसा होगा, बता रहा हूं अभी से. तो आपके लिए जरूरत पड़ेगी उस चीज के लिए. तो ये माइंडसेट अभी से डेवलप करना जरूरी होगा. इसीलिए मैं थोड़ा क्वेश्चनिंग करूंगा अभी के लिए. एनुअल रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें आती है. एनुअल रिपोर्ट इज लाइक अ रिपोर्ट कार्ड ऑफ अ कंपनी एट द ईयर एंड, जहां कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उनके ऑडिटर का रिपोर्ट, उस कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी को रन करते हैं उनका एक रिपोर्ट आता है. उसके अलावा और बहुत सारे रिपोर्ट्स आते हैं, लाइक कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट हो गया, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सेक्रेटरियल ऑडिट, उसका रिपोर्ट भी आएगा. मतलब और बहुत सारी चीजें आएगी. वहां मैं जा इसलिए नहीं रहा हूं बिकॉज वो आपको अभी तक नहीं पढ़ा है. मैं सिर्फ उन चीजों को टच करना चाहूंगा एटलीस्ट फॉर नाउ, जो आपको एटलीस्ट थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि ये सब कहां इंक्लूडेड होते हैं. मेरे एनुअल रिपोर्ट में इंक्लूडेड होते हैं. सो इन द एनुअल रिपोर्ट लेट मी गो टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट डायरेक्टली. सबसे पहले एक एक्चुअली में अगर मैं जाता हूं एनुअल रिपोर्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, मुझे क्या देखने को मिलता है. आ जाओ इन एनुअल रिपोर्ट, लेट्स सर्च फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट. देख रहे हेडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अब आपको दो वर्ड दिखेगा यहां पे, एक है स्टैंड अलोन और दूसरा कंस. सुना है क्या? देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सुना है क्या? पक्का स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड. सुना है क्या? अब रिलायंस इंडस्ट्रीज का बहुत सारा सब्सिडीज भी रहेगा, राइट? जेवीज भी रहेंगे, ज्वाइंट वेंचर सुनेंगे आपने आइडियली, मतलब एसोसिएट कंपनीज हो सकते हैं. मतलब बॉटम लाइन, रिलायंस इंडस्ट्रीज एक सिर्फ एक इंडिपेंडेंट एंटिटी नहीं है, उसके साथ में और बहुत सारे एंटिटीज भी हो सकते हैं. तो RIL अपना खुद का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा बनाएगा, साथ साथ में जो जो उसके बेसिकली सब्सिडरीज एसोसिएट कंपनीज हैं उनके नंबर्स को लाके एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाएगा. मतलब आपको दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने के लिए मिलेंगे नॉर्मली इन अ पेरेंट कंपनी. विच कंपनी? सुनाएगा वर्ड पेरेंट कंपनी, और यहां पर सुनोगे अपने होल्डिंग कंपनी, सुनाएगा आपने ये वर्ड्स. ये सब आपको एडवांस अकाउंट्स के अंदर पढ़ाए जाएंगे क्योंकि आपके लिए CFS सिलेबस में है. कुछ कुछ कमाई से ने अच्छा किया, हालांकि वो प्रॉब्लम है कितना समझेगा तुमको CFS एडवांस अकाउंट्स में, क्योंकि एट दिस स्टेज आपने बहुत कंपनीज के फाइनेंशियल्स को देखा नहीं होगा तो वो चैलेंजिंग बन जाता है. इवन टीचर के लिए चैलेंजिंग बनता है बिकॉज कितना डिटेल में डिस्कशन करें बच्चे के साथ में. जैसे फॉर एग्जांपल शेड्यूल 3 पढ़ा तो है तुमने, पढ़ा क्या शेड्यूल 3 आपने? फॉर्मेट तो देखा होगा एटलीस्ट आपने शेड्यूल 3 के अंदर, देखा तो है एटलीस्ट कम से कम. बट मैं वही बता रहा हूं, पूरा शेड्यूल 3 एक्सप्लेन करने के लिए जो अमाउंट ऑफ टाइम, एफर्ट एंड, समझ रहे हो मेरा बात, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अ स्टूडेंट जो चाहिए, बहुत चैलेंजिंग है कंपैरेटिवली. अगेन बहुत सब्जेक्टिव चीजें हैं, बट अभी के लिए मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताता हूं. दो वर्ड्स दिख रहे हैं, स्टैंड अलोन और दूसरा क्या दिख रहा है, कंसोलिडेटेड. ऑडिट क्या होता है अभी तक हम नहीं गए, वेट फॉर दैट. अभी हम सिर्फ वर्ड कौन सा है, फाइनेंस. तो लेट्स गो टू पेज नंबर 297. इफ आई गो टू 297, क्या बॉटल वॉटल गिराते रहते हो यार, इस दिन तुम खुद गिर जाओगे. नहीं, ताली वाले नहीं चाहिए मेरे को. देखो स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉब्लम क्या बनता है क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुरुआत हुआ उसमें सबसे पहले क्या आया, माय क्वेश्चन टू यू, इज ऑडिट रिपोर्ट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुरू हुआ, सबसे पहले ऑडिट रिपोर्ट आया ना, अरे हाँ या ना. नॉर्मली ये बहुत कॉमन है, अगर आप लिस्टेड कंपनीज को देखेंगे या इवन जनरल प्राइवेट लिमिटेड ऑल्सो, पहले ऑडिट रिपोर्ट होता है क्योंकि ये ऑडिट रिपोर्ट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ही बनाया जाता है. तो जनरली ये कॉमन नॉमिनक्लेचर है कि आप पहले ऑडिट रिपोर्ट इंक्लूड करते हैं और उसके बाद में आते हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. मतलब आपको ऑडिट रिपोर्ट खत्म होने के बाद में ये ऑडिट रिपोर्ट है, यहां तक ओनली दिस मच. फिर शुरू होगा कैन यू सी बैलेंस शीट. फॉर्मेट तो कुछ याद रहेगा एटलीस्ट, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, सुनेगा ऐसा एटलीस्ट कुछ. अमाउंट तो जाने दो, चलो इन करोड़ से ऑब्वियसली. वी आर टॉकिंग अबाउट रिलायंस इंडस्ट्रीज यार, सबसे बड़ा मार्केट कैप है इंडिया के अंदर. देखो बाजू में कैन यू सी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये आपको पक्का फाइनल अकाउंट पढ़ाते वक्त फॉर्मेट आपने बनाए होंगे, बनाया है या नहीं बनाया है,
थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट पता होगा। देखो ये चीजें आनी चाहिए, अगर बेसिक नहीं आता है तो तुम मेरे को बोलोगे ऑडिटिंग सिखा दो, बहुत मुश्किल है। आगे बता रहा हूं बेसिक्स, इसीलिए मैं थोड़ा वापस से रिकनेक्ट कर रहा हूं कि ये आपको एटलीस्ट पता है। इज दैट क्लियर? पक्का? देन कैन यू सी अ वर्ड कॉल्ड एज स्टेटमेंट ऑफ, इसको हम SOCE बोलते हैं। ऑनेस्टली ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपको अकाउंट से पढ़ाया भी नहीं होगा, बताया होगा कि SOCE करके रहता है। क्यों ऐसा बोलता हूं आपको मैं, हैव यू हर्ड ऑफ गैप, GAAP इन इंडिया, विच गैप वी फॉलो? इंडिया में कौन सा गैप फॉलो होता है? इन इंडिया वी फॉलो इंडियन गैप, इन यूएस दे फॉलो यूएस गैप, इन यूरोप द प्रोमिनेंट वन इज IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, सुना होगा आपने। उस IFRS के अंदर अगर आप नेदरलैंड का बात करोगे, उनका भी अपना गैप रहेगा हर कंट्री का, बट वो बोरो कहां से किया उन्होंने? IFRS से बोरो किया है, समझ रहे हो क्या मेरा बात? व्हेन आई से इंडियन गैप, दैट मींस इंडियन कंपनीज जब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाती है तो वो अकाउंटिंग कैसे करती है? कैन आई से आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ाए हैं, वो मेरे लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ना वो क्या है? इंडियन गैप का पार्ट है। इसका पार्ट है, इंडियन गैप का पार्ट है। तो अगर आप चाहेंगे लिस्टेड कंपनीज जो है उनके लिए बोल सकते हैं, इनके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बाद में जो नया चीज आया दैट इज कॉल्ड एज इंड एएस। पता है क्या आपको ये चीज? वापस से बोल देता हूं, बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, फिर हमारा इंडियन गैप ना अपने आप को अडेप्ट कर रहा था विद IFRS, किससे अडेप्ट कर रहा था? विद IFRS टू बिकम अ ग्लोबल गैप। डू यू गेट माई पॉइंट? तो उन्होंने कुछ चीजें IFRS से बोरो की और हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव करके और डिटेल्ड बना करके नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इश्यू किए, उनको हम बोलते हैं इंड एएस। क्या बोलते हैं उनको हम? इंड एएस। तो जब आप लिस्टेड कंपनीज के बारे में पढ़ेंगे ना, आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? इंड एएस प्लस। हैव यू हर्ड अबाउट शेड्यूल 3? तो नॉर्मली जब आप बोलते हैं ना इंडियन गैप, इसका मतलब है हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्लस हमारा शेड्यूल 3। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है अकाउंटिंग कैसे करने का है, एंड शेड्यूल 3 बताता है फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को प्रिपेयर एंड प्रेजेंट कैसे करना है। यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? देयर आर टू थिंग्स, अकाउंटिंग एस्पेक्ट कहां से आएगा? एएस से आएगा। प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन कहां से आएगा? शेड्यूल 3 से आएगा। तो हम बोल सकते हैं बहुत सारे हमारे प्राइवेट लिमिटेड जो है वो एएस प्लस शेड्यूल 3 फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करते हैं? एएस प्लस शेड्यूल 3। जो लिस्टेड कंपनीज है वो क्या फॉलो करता है? इंड एएस प्लस थोड़ा समझ में आया क्या? मैं आपके दिमाग में थोड़ा बेसिक्स बिल्ड कर रहा हूं, क्योंकि जब हम चीजें डिस्कस करें तो स्लोली स्लोली ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट आपके लिए एक लॉजिकल तरीके से डेवलप होना शुरू होगा। मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आपका अंडरस्टैंडिंग स्टैब्लिश करना है। बात समझ में आया है क्या? वापस से शांति से। सर इंडियन गैप क्या होता है? एटलीस्ट ये वर्ड तो समझा मेरे को। इट इज नथिंग बट माई AS और इंड AS प्लस नथिंग बट माई शेड्यूल 3। इज दिस क्लियर टू यू? पक्का? तो कैन आई से ये जो SOCE है ना, ये AS में नहीं है। जो एसओसी ना किधर नहीं है? एएस में नहीं है। ये किधर है? इंड एएस में है। ये किधर है? इसीलिए जो लिस्टेड कंपनीज है ओनली उनके केस में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। और मेजोरिटी प्राइवेट लिमिटेड जो है वो एसओसी बनाते ही नहीं है। मतलब हमारे सिलेबस में है क्या सर? नहीं है। एक एक मिनट का ओवरव्यू देता हूं, डिटेल में नहीं जाऊंगा, बिकॉज देर इज अ रीजन बिहाइंड दिस। कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो आपको पढ़ाए नहीं आज तक अभी। इसको पढ़ाने के लिए देर इज समथिंग कॉल्ड एज अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, OCI करके कॉन्सेप्ट रहता है, वो इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। उसके बिना आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगा। बट ये क्यों बनाया है ये समझा देता हूं एटलीस्ट। व्हाई वन मोर स्टेटमेंट? देखो बैलेंस शीट का पर्पस क्या है आपको मालूम है, इनकम स्टेटमेंट का पर्पस क्या है आपको मालूम है, मालूम है ना? पक्का ना? पक्का? कैश फ्लो स्टेटमेंट का पर्पस क्या आपको मालूम है? कैन आई अज्यूम दैट? तो एटलीस्ट SOCE का पर्पस बता देता हूं। इज दैट क्लियर टू यू? सो व्हाट इज दिस स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी? बेसिकली हम क्या चाहते हैं, इक्विटी के अंदर पूरे साल भर में क्या कुछ बदलाव आया है? इक्विटी के अंदर पूरे साल भर में क्या कुछ बदलाव आया है? फॉर एग्जाम्पल आपका कोई ना कोई ओपनिंग बैलेंस रहेगा। क्या रहेगा? अरे आपका इक्विटी कंपोनेंट जो लास्ट ईयर तक आउटस्टैंडिंग रहेगा वो मेरे लिए क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस। ड्यूरिंग द ईयर हो सकता है आपने कुछ नए शेयर इश्यू किए होंगे, कुछ बायबैक किया होगा। सुना क्या बढ़िया? क्या ना इसे इक्विटी में कुछ बदलाव आ सकता है ना यार? तो मुझे बेसिकली एक फॉर्मेट में ये बताना है इस कंपनी के कोर इक्विटी में कितना चेंजेस आया है पूरे साल भर के अंदर। उसके लिए जो मैं स्टेटमेंट बना रहा हूं, इफ यू सी केयरफुली, कैन यू सी इक्विटी शेयर कैपिटल, वो बोलेगा ओपनिंग बैलेंस एज ऑन 1st अप्रैल 2020, फिर बोलेगा चेंजेस ड्यूरिंग द ईयर, फिर देखो क्लोजिंग बैलेंस एज ऑन
31 मार्च 2021, मतलब वो आपको थोड़ा एक अंडरस्टैंडिंग देगा कि मेजर क्या चेंजेस आए हैं। मतलब फॉर एग्जांपल 106 क्या है, इट विल बी एन अमाउंट इन क्रोर्स, मतलब हो सकता है कुछ एडिशनल शेयर्स इशू किए होंगे, इससे वो ऐड होकर के नया इक्विटी कैपिटल आ गया है। समझ रहे क्या मेरा बात? देर कैन बी राइट इशू ऑफ शेयर्स ऑल्सो, कैसा आइडिया लिया आपने। तो मतलब वो एसओसी का ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरे इक्विटी में क्या मेजर बदलाव है पूरे साल भर में, मेरे को वो बताने का है। तो दो तरीका है उसका, एक तो हो गया ओवरऑल इक्विटी का बैलेंस बता दिया मैंने। दूसरा चीज आपने सुना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजर्व्स, जनरल रिजर्व सुने क्या आइडिया आपने, देन देयर इज लॉट ऑफ कैपिटल रिजर्व्स आल्सो, उन रिजर्व्स में क्या चेंजेस आए हैं ये भी पता चलना चाहिए। मतलब एक बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है पूरा, मेरे को शेड्यूल में समझ में आए लास्ट ईयर का क्या बैलेंस था, करंट ईयर में नया रिजर्व्स में क्या ऐड हो गया, रिजर्व्स में करंट ईयर में क्या कंज्यूम हो गया, फॉर एग्जांपल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है, रिजर्व्स में से जाएगा ना मेरे पास में से, अरे हाँ या ना, तो मेरा क्या पैसा बाहर गया और क्या बैलेंस बचा, इन एवरी सिंगल लाइन आइटम, ये समझने के लिए उन्होंने बनाया अदर इक्विटी। यहां वो अलग अलग रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटीज बीम अकाउंट, डीआरआर, शेयर बेस पेमेंट, दिख रहे आपको अलग अलग रिजर्व्स, इन सारे रिजर्व्स के अंदर फ्लो ऑफ मनी समझा रहा है पूरे साल भर के अंदर। प्रॉब्लम क्या है, हमको सारे रिजर्व्स का मतलब पता होना चाहिए पहले, एंड सबसे ज्यादा पता होना चाहिए कि नहीं, सी द लास्ट वर्ड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, एक वर्ड देखिएगा लास्ट में टोटल के पहले, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ओसीआई, ये दिख रहा है क्या, ये इसके बिना ये चीज समझ में नहीं आ सकती है। मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू देना चाहता हूं कि भाई मेरा इक्विटी एंड अदर इक्विटी मतलब रिजर्व्स वाला जो पार्ट है उसमें बदलाव क्या है, उसके लिए जो स्टेटमेंट होता है दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज एसओसीई। ये भी किसका पार्ट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, बट इट इज एप्लीकेबल ओनली टू दोस कंपनीज जिनके लिए क्या एप्लीकेबल है, इंड एस एप्लीके, बात समझ में आया एटलीस्ट। तो थोड़ा सा एएस क्या है, इंड एस क्या है, एसओसी का बेसिक, एटलीस्ट बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। देखो रिजर्व्स चेक कैसे करना है आगे आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल चेक कैसे करना आगे आएगा, डे वन पे नहीं सिखा सकता हूं, डे वन पे अगर सिखाऊंगा तो प्रॉब्लम क्या, आपको बहुत सारी चीज समझ में नहीं आएगी, इसीलिए बहुत ही बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं अपन। इज दिस क्लियर टू यू, पक्का? नेक्स्ट, हैव यू हर्ड द वर्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये तो ऑलरेडी मालूम रहेगा आपको, पक्का। मेरा प्रॉब्लम दूसरा है, ये सुना है क्या आपने नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट सुना है क्या आपने, व्हाट इज नोट्स टू अकाउंट्स तुम्हारे हिसाब से, नोट्स टू अकाउंट्स क्या होता तुम बोलो, नोट्स टू अकाउंट्स क्या होता है बोलो। अच्छा एक क्वेश्चन है, पहले नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हो या पहले बैलेंस शीट पीनल बनाते हो, पहले नोट्स टू अकाउंट्स नहीं, पहले बैलेंस शीट पीनल या साथ साथ दोनों का, सर वो क्या करते हैं ना, एक पेज पे बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया, दूसरे पेज पे पीएनएल का फॉर्मेट बनाया, फिर वो नोट्स लिखा वर्किंग नोट्स और बनाते जाएंगे साथ साथ में, है ना, ऐसा करते हो तुम लोग, पक्का? देखो रियल लाइफ में हम बैलेंस शीट पीएनएल हाथ से बनाते ही नहीं है, देर इज ईआरपी, एक्सेल भी नहीं, इन मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज देर इज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। आपको पता होगा जैसे ही कोई आप एंट्री पास करते हो एक सिस्टम में, अगर आप वो टैली का बात कर लो, क्विक बुक का बात कर लो, कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का बात कर लो, एज सून एज यू पास द एंट्री, एंट्री में डेबिट का अमाउंट क्रेडिट का अमाउंट इक्वल होना चाहिए। अरे एंट्री से पास कर रहे हो इतना तो प्लीज पक्का, वो सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट नहीं करेगा ना यार, अगर डिफरेंस रहेगा तो, डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए आइडियली, तब वो एक्सेप्ट करेगा, ठीक बात है कि नहीं है, वो एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद में पता क्या करेगा, सही जो लेजर आपने कनेक्ट किया उस लेजर को हिट कर देगा, लेजर ऑटोमेटिकली पीएनएल बैलेंस शीट में सिंक हो जाएगा। मतलब आपको रियल लाइफ में लेजर पोस्टिंग नहीं करना होता है, व्हेन यू पास द एंट्री यू जस्ट एसोसिएट दैट एंट्री दैट अमाउंट विद द राइट लेजर, लेजर ऑटोमेटिकली क्लासिफाइड होता है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। मतलब इन रियल लाइफ ये जो मेजोरिटी अमाउंट्स है ये पूरे के पूरे कहां से आ रहे हैं, सॉफ्टवेयर से आ रहे हैं, बस मैंने इंडिपेंडेंटली एंट्री पास किया होगा, वो इंटर कनेक्टेड रहता है, बात समझा क्या? तो वो नोट्स अकाउंट्स आपको इसलिए बता रहे बिकॉज आप तो हाथ से बैलेंस शीट बना रहे हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट। नोट्स टू अकाउंट्स इज नॉट जस्ट दोस वर्किंग नोट्स, रादर देयर इज अ कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड एज सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। क्या कॉन्सेप्ट बोला मैंने, सुना क्या वर्ड कभी, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, हैव यू हर्ड दिस वर्ड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज? मैं सब लिखवाऊंगा तुम टेंशन मत लो, ऐसा नहीं है कि मैं बोल के चले जाऊंगा, हर वो चीज लिखवाऊंगा जो मुझे, डोंट वरी, सुनने का ट्राई करो पहले,
सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, बोलो जरा, ये सुना होगा तुम लोगों ने यार, प्लीज। परेशान कर रहे हो तुम यार। एक बात सुनो, अगर मैं आपको पूछता हूं कंपनी के अंदर ये जो पीएनएल अकाउंट है, रेवेन्यू का जो नंबर है, इनकम का नंबर दिख रहा है आपको, इनकम फ्रॉम सर्विसेज, वैल्यू ऑफ सेल्स दिख रहा है आपको, ये अमाउंट दिया है मेरे को 4,63,000 करोड़, ऑब्वियसली ये अमाउंट कहां से है? रेवेन्यू सही से रिकॉग्नाइज किया कि नहीं किया है? मेरे को इसके लिए कंपनी ने एएस या इंडेस फॉलो किया कि नहीं वो समझना पड़ेगा कि नहीं समझना पड़ेगा? अरे मैं जब तक कंपनी का सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज नहीं समझता है, मुझे कंपनी का अकाउंटिंग ही नहीं समझ में आ सकता। मतलब बिफोर आई लुक एट दीज नंबर्स, अच्छा कितना दिख रहा है अमाउंट, बहुत अच्छा दिख रहा है, 4,66,000 करोड़ दिख रहा है, इज इट गुड और बैड, आई कांट डिसाइड। व्हाट आई नीड टू सी इज कि एक्चुअली मैं अकाउंटिंग में बराबर हुआ है क्या, इसके लिए मुझे समझना पड़ेगा कंपनी रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करता है। हो सकता है कंपनी के पास में 5 सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू है, वो सही सोर्स का अकाउंटिंग सही टाइम पे उसने किया कि नहीं किया है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। सिमिलरली प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पीपी, कैपिटलाइजेशन सही से हुआ है कि नहीं हुआ है, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन सही से चार्ज किया कि नहीं किया है, सुना है क्या बड़ा आपने ये सुना है क्या? फिर इंपेयरमेंट लॉस, हो सकता है आपके कोई एसेट की वैल्यू में परमानेंट डिमिनिशन आ गया होगा, परमानेंट वैल्यू लॉस हो गया होगा ना यार, तो आपको इंपेयरमेंट लॉस की बुक्स में लेके आना पड़ता है। अरे सब चीज में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, तो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती है? एक कंपनी ने अपना अकाउंटिंग करने के लिए कुछ ऐसा कोर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या इंडेस को बेस रखा होगा, जिसके ऊपर क्या बना होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना होगा, जिसके ऊपर क्या बना होगा, फाइनेंशियल। बिना उन अकाउंटिंग पॉलिसीज को समझे मेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ में नहीं आ सकता है। बात समझ में आया क्या सर? ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज मिलता किधर है? नोट्स टू अकाउंट्स में। इधर मिलता है नोट्स टू अकाउंट्स में। नोट्स टू अकाउंट्स में जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट नोट है ना, वो होता है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। यहां पे डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, पीपीई, आपका इंपेयरमेंट लॉस। अरे सुनो, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन हुए होंगे उसके अकाउंट पे प्रॉफिट लॉस हो सकता है। अरे हाँ है ना, फिर रिटायरमेंट बेनिफिट्स करके रहता है आपके एएस नहीं आपके सिलेबस में, बट रिटायरमेंट बेनिफिट्स, लीजेस सुना होगा, लीजेस, रिलेटेड पार्टी नाम सुना होगा, सबके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, सुनाएगा नाम, नाम तो सुने होंगे एटलीस्ट। चलो एस अभी तक आगे नहीं पढ़ोगे, मेरे को आगे आएगा ग्रुप टू में, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से इन सिंपल टर्म्स ये सब कुछ किसका पार्ट है? मतलब सर नोट्स टू अकाउंट्स में क्या आता है? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज आता है, प्लस अदर नोट्स आएगा, अदर नोट्स आएगा, कैसे चेक करना है आगे आएगा, सिर्फ शुरुआत अभी, बेसिक्स एकदम। बात समझ में आया क्या? आई वॉन्ट एवरी वन टू टेक आउट देयर नोटबुक्स, आई होप यू हैव अ नोटबुक, वी विल नीड अ सेपरेट नोटबुक फॉर ऑडिट। नोटबुक्स, गिव अ फर्स्ट हेडिंग, सबसे पहले हेडिंग लिखो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फर्स्ट पेज है तुम्हारा, पहला हेडिंग जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओ बाय द वे, ये वर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी लॉ में डिफाइंड है, मालूम है ना तुमको? सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशंस, कंपनीज एक्ट 2013, सुना होगा एटलीस्ट नाम थोड़ा बहुत, सुना है क्या ऐसा? कंपनीज एक्ट 2013 सुना है क्या पक्का से? हे भगवान, ये वर्ड भी लॉ में डिफाइंड है, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब इन इंडिया नॉर्मली फॉर ऑल कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? इसमें 5 चीजें आती है अंडर जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। राइट डाउन पॉइंट नंबर ए,
बैलेंस शीट नंबर ए, बैलेंस शीट नंबर बी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट नंबर बी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट, नेक्स्ट नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स इंक्लूडिंग, नोट्स टू अकाउंट्स इंक्लूडिंग सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, नोट्स टू अकाउंट्स इंक्लूडिंग सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, नोट्स टू अकाउंट्स इंक्लूडिंग सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। एंड नंबर फाइव एसओसीई, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, एसओसीई दैट इज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये जो एसओसीई है मैं आपको वापस बता चुका हूं बेटा, ये रेलेवेंट किनके लिए, जिनके लिए क्या एप्लीकेबल है, इंड एएस एप्लीकेबल है। इसीलिए आपको मेजोरिटी टाइम डिस्कशन में चार ही वर्ड्स आए होंगे, दैट इज बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड नोट्स टू अकाउंट्स में क्या चीज आता है, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। पता होना चाहिए कोई भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आप ओपन कर रहे हो, डोंट जंप टू बैलेंस शीट डायरेक्टली, डोंट जंप टू पीएनएल डायरेक्टली। अगर आप समझना चाहोगे तो शुरुआत कहां से करोगे, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी से करोगे। जब उसे रीड करोगे तो आपको सही में समझेगा कंपनी का अकाउंटिंग करने का तरीका क्या है। एंड प्लस ये पढ़ने के लिए थोड़ा सा इंटरमीडिएट खत्म करना, फाइनल का इंडेक्स खत्म करना और फिर पढ़ना, क्योंकि वहां पे इंडेक्स लिखा होगा मेजोरिटी लिस्टेड कंपनीज में, आपको इंडेक्स अभी तक नहीं पढ़ाया है। सर एक बात बताओ, डोंट थिंक आर्टिकल्स में बहुत मजा आएगा, कैसे आएगा बोलता हूं ना तुमको। पहला क्लाइंट अज्यूम करो लिस्टेड कंपनी, फॉर एग्जाम्पल मिला तुमको, अज्यूम सिचुएशन हो सकता है ना यार। अब लिस्टेड कंपनी तो एएस फॉलो नहीं करेगा, इंडेक्स फॉलो करेगा, ठीक बात है कि नहीं है, और तेरा काम रहेगा उसको चेक करने का। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, क्योंकि खुद से पढ़ना पड़ेगा आपको इंडेक्स, ये वहां सीने पड़ेगा आपको, वहां पे विल दे टीच यू इन ऑफिस, खुद से पढ़ लोगे तुम तुम्हारे हिसाब से। मतलब सर पहले फाइनली खत्म कर लेते फिर आर्टिकल शिफ्ट कर लेते हैं, ऐसा करने का अलाउड नहीं, पता है ना, पक्का ना, कोई नया ऑप्शन तो नहीं है। सर फाइनल का क्लास कर लेते फिर कर लेते आर्टिकल शिफ्ट, चलो डिफिकल्ट होगा, रादर आपको बहुत ताना मारा जाएगा, क्यों नहीं पढ़ा इंडेक्स, प्यार से बोलना पड़ेगा मेरे सिलेबस में नहीं था समझ रहे हो, बट गिवन एन अपॉर्चुनिटी आई वॉन्ट टू लर्न, तुम थोड़ा मेरे को एक्सप्लेन करो, तुम मेरे को गाइडेंस दो मुझे किधर से पढ़ने का है, मैं पढ़ के आएगा डाउट पूछेगा, तुम्हारा काम है मेरे को हेल्प करने का, मैं आर्टिकल है, समझ में आएगा मेरा बात, लॉजिकल है कि नहीं, ऐसा होगा। इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, आई एम टेलिंग यू डायरेक्टली अप फ्रंट, ऐसा होता ही है। इसलिए आपको थोड़ा वो इंडेस का ट्यूटोरियल जो रहेगा वो भी आपको देंगे, थोड़े ई लर्निंग्स देंगे देखने के लिए, ताकि आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आए, एटलीस्ट बेसिक्स, यू नो व्हाट आई मीन, तो एटलीस्ट आपको समझ में आ गया, जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होगा होगा उसके बाद जब कुछ ना हो करने के लिए क्या पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, थोड़ा तो पढ़ना चाहिए, कुछ फायदा है मिलेगा आपको 100%, बिकॉज वो रेलेवेंट है, फाइनल में पढ़ना ही पड़ेगा इवेंचुअली, आर्टिकलशिप में ये क्वेश्चनिंग होगा ही होगा, तो क्यों ना पढ़ा जाए नेसेसरीली, व्हाई टू वेस्ट टाइम, जाने दीजिए सर हमारे पास बहुत टाइम है फिलहाल। डू यू अंडरस्टैंड फाइव पॉइंट्स अंडर जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एग्जाम में आपको एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। चलो उससे आपको एक बात बताता हूं, सुनो, ऑडिट का टोटल पेपर 100 मार्क्स सबको मालूम है, 30 मार्क्स एमसीक्यू, आई एम अज्यूमिंग सबको मालूम है, समझ लो मेरा बात, 14 मार्क्स करेक्ट इनकरेक्ट, थर्टी मार्क्स एमसीक्यू, 14 मार्क्स करेक्ट इनकरेक्ट, और सुनो बेस्ट पार्ट, करेक्ट इनकरेक्ट में ऑप्शन भी आता है, मतलब देर विल बी 8 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क ईच, देर विल बी 8 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच, आपको 8 में से कोई भी 7 करने का है,
उधर भी एक ऑप्शन है, 7 × 2 = 14 marks, बात समझ में आएगा। वापस से बोल रहा हूं, 30 marks एमसीक्यू, 14 marks करेक्ट इनकरेक्ट, बचा कितना? अरे बचा कितना भाई, ये आपका डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट है। एक बात बताओ मेरे को भी, व्हाट डू यू थिंक इसके लिए क्या जरूरत है? सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। मैं सच्ची बोलता हूं आपको, मैं तुमको ये भी बोलता है, मैं पहले 30 दिन कोई एमसीक्यू सॉल्व नहीं करेगा, कोई करेक्ट इनकरेक्ट सॉल्व नहीं करेगा, तुम्हारे सामने लेके भी नहीं आऊंगा, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। एक सिंपल बात बोलता हूं, मेरे को मालूम है एमसीक्यू केस स्टडी के फॉर्म में आएगा जिसमें 4 questions रहेंगे, वो केस स्टडी पूरे सब्जेक्ट पे बनाया है। जब तक तेरे को पूरे सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगा, यू विल हैव अ हाफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन, एंड आई विल टेल यू व्हाट विल यू डू, यू विल ट्राई टू रिमेंबर द आंसर, एंड आई विल टेल यू व्हाट विल हैपन, द सेम क्वेश्चन विल नेवर कम। अरे ऑब्वियसली नहीं यार, आई एम टेलिंग यू डायरेक्टली, वी डोंट हैव एक्सेस टू एमसीक्यू पेपर लीगली। एंड मैं लीगली हूं तो मेरे को नहीं एक्सेस, मैंने कभी भी आज तक एग्जाम के अंदर एमसीक्यू का क्वेश्चन देखा ही नहीं है। तो सर सिंपल है यार, आईसीएआई ने खुद अपने आप सजेस्टेड क्वेश्चंस का पीडीएफ बना के दिया है, इसमें 200 पेज में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और वैसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ऐसा बच्चों ने बोला है, यू नो व्हाट आई मीन। तो मैं काहे को फालतू दिमाग लगाऊं यार, क्लियरली बोल रहा हूं, मैं कोई क्वेश्चन नया बना के तेरे को दूंगा एमसीक्यू, मेरे को मालूम है वैसा नहीं आएगा। आई विल टेल यू व्हाट यू नीड टू डू, जितना टाइम तुम अंडरस्टैंडिंग में स्पेंड करोगे, लेट देम आस्क व्हाटएवर क्वेश्चन दे वांट टू, यू कैन आंसर। यस, मेरे को क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है, सोचना कैसे, उसके लिए आईसीए ने सैंपल क्वेश्चन दिए ना भर भर के, वो डिस्कस करेंगे ना क्लास में। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट। पहले बोल रहा है मेरे पास कोई सजेस्टेड एमसीक्यू नहीं है, सही है, होने भी नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि आईसीए ने हमको दिए ही नहीं है, जो आईसीए ने दिए वो मैं तुमको दूंगा, समझ रहे हो मेरा बात, वो हम क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे, बट नॉट इन फर्स्ट 30 डेज। आई वुड वॉन्ट पहले अंडरस्टैंडिंग हो, फिर हम क्वेश्चन पे जंप करेंगे। मेरे को आपको झूठा कॉन्फिडेंस नहीं देने का है, मेरे को मालूम है, जब पेपर देखोगे, लास्ट पेपर बहुत इज्जत से इजी आया था, नवंबर, अभी तुम्हारा अभी हम कहां पर है, हाँ नवंबर 22, ये इजी था, मई 22 का पेपर देखना, मैं दिखाता हूं तुमको, डरा नहीं रहा, फैक्ट बोल रहा है, मजेदार था। तो पहली बार ऑडिट पेपर देख के मेरे को बहुत मजा आया, मतलब बुरा मत सोचना नेगेटिवली, मतलब ये बच्चों को टेस्ट किया उन्होंने कि एक्चुअली में तेरा अंडरस्टैंडिंग बहुत खतरनाक। अरे मैं बोल रहा, शेड्यूल 3 पे क्वेश्चंस थे बढ़िया वाले, बेनामी प्रॉपर्टी सुना होगा आपने, उसके डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ये 4 चीजें आती है, ये बता, समझा क्या मेरे पास? और ये सेम चीज मेरे ऑडिट रिपोर्ट में कितना आता है ये बता, उसके लिए ऑडिट रिपोर्ट पढ़ा होता है, उसके लिए देर समझने को कारो होता है कुछ, तो ऑडिट रिपोर्ट के साथ में आता है, वो पढ़ना पड़ता है, उसके लिए समझना पड़ता है किधर क्या आता है, तो तुम वो लिख, वरना मैं बोलता है कुछ तो क्वेश्चन भी नहीं समझेगा, लिख क्यों? इसीलिए थोड़ा सा प्लीज, मैं आपसे तुमको day 1 पे बार बार एम्फेसाइज करके बोल रहा हूं, ये सब्जेक्ट जेन्युइनली आसान नहीं है, इट विल बी रॉन्ग ऑन माई पार्ट टू से इट इज वेरी इजी, इट इज नॉट, इट इज वेरी चैलेंजिंग, इट इज ए इंडस्ट्री, आई एम नॉट टीचिंग यू जस्ट थोड़ा सा यार, पूरा दुनिया इस पे वर्क करता है, मतलब अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्रेपरेशन और ऑडिटिंग एस्पेक्ट हटा दो तो आपका आधा स्टॉक मार्केट खाली हो जाएगा। व्हाई डू यू इन्वेस्ट, ऑन व्हाट बेसिस यू इन्वेस्ट, आइडियली लॉजिकल इंसान, सो मतलब जो रैशनल आदमी है वो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने के बाद इन्वेस्ट करेगा, ये बात तो मानते कि नहीं मानते तुम लोग, एटलीस्ट दैट विल बी ओवर यार, लाइक द वो प्रिमाइस है उस मार्केट का, मैं उस अजम्पशन को लाइटली नहीं ले सकता हूं, पापा से बता रहा हूं तुमको, मेहनत लगेगा 100%, बट ये चीज बोलता हूं, ये जो तुम्हारा 44 marks है ना, ये डिसाइड करेगा तू पास होगा कि नहीं होगा। इधर ना मैं कितना भी मेहनत कर लूं, तू कितना भी मेहनत कर ले, दिस इज अ एरिया वेर देर इज नो गारंटी, बिकॉज दिस विल रिक्वायर, सोचो ना, मैं लिटरली बोल रहा हूं तुमको, 13 chapters है एज पर आईसीएआई, कितने 13, हर चैप्टर से क्वेश्चन आता है, और मतलब टोटल नंबर ऑफ पेजेस निकाल के रखोगे उनका अप्रोक्सीमेटली 500-550 पेज हो जाएगा। ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट जो 1000 पेज के वो अलग, कुछ तो है ऐसा,
इफेक्टिवली जो कंटेंट पढ़ाने का है दैट इज 1500 to 2000 pages. इट इज टफ. आई होप योर अंडरस्टैंडिंग. मैं वापस से कोई गलत सपने नहीं दिखा रहा हूं डेवन पे, जो रियलिटी आपको बता रहा हूं ऐसा है. एफर्ट लगेगा, बट एक बात बोलता हूं, अगर तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग ब्रिलियंट है तुम्हें इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा. आई मीन दैट, तुमने अगर इज्जत से सब सुना है, ढंग से एक बार खुद से पढ़ा है, दो बार आराम से रीडिंग करने के बाद कॉन्फिडेंस आया है, यू सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस, यू विल बी 100% कंफर्टेबल. आई एम श्योर अबाउट इट, बिकॉज देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट. हम इतना ज्यादा डिटेल में अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करेंगे कि ये हो ही जाएगा, चांस ही नहीं है. मतलब देखो ऑब्वियसली वन और टू क्वेश्चन हियर एंड देयर इज पॉसिबल, अदरवाइज 40 marks इधर नहीं जाता है. तुम अगर मेहनत करते हो तो जिंदगी में मेरा स्ट्रेस यहां कम हो जाता है. यहां पे मेहनत पूरा करेंगे, हर चैप्टर में आपको हर जगह से हेल्प मिलेगा. और ये लैंग्वेज ऐसा है, अगर एक बार लैंग्वेज समझ में आया ना तो लिखना आसान बनेगा. लैंग्वेज समझ में नहीं आया ना तो लिख ही नहीं सकता है. मैं बोलता है तेरे में कितना भी कैपेबिलिटी रहेगा ना याद करने का, नॉट पॉसिबल. इतना सारा है, इतना सारा है कि मतलब इम्पॉसिबल एक ह्यूमन बींग के लिए रिमेंबर करना. तो इसीलिए अंडरस्टैंडिंग एसेंशियल है. अगर समझाना तो तू जो याद क्या कर रहा था वो समझ में आएगा, तेरा अपना खुद का वोकेबलरी बिल्ड हो जाएगा यार. फॉर एग्जाम्पल आज मैंने एक वर्ड यूज किया था, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, याद है क्या? कभी ना कभी वो लिखवाऊंगा, उसका मतलब समझा दूंगा. तुझे मालूम है अगली बार मुझे ये वर्ड को कहीं ना कहीं यूज करने का है. आगे मैं ऑडिट रिपोर्ट वर्ड यूज करूंगा, ओपिनियन वर्ड यूज करूंगा. मतलब हर दिन नया वर्ड आएगा, वो वर्ड से आपका वोकेबलरी बिल्ड होगा और उसके बाद तुम उस लैंग्वेज पे तुमको कॉन्फिडेंस आएगा, कंफर्ट आएगा और तब तुम लिख पाओगे. मतलब तुम मेरे को एक क्वेश्चन पूछोगे भी तो 15 दिन सब समझ में आ रहा है जो तुम बोल रहे हो, जो तुम लिखवा रहे हो ये भी समझ में आ रहा है. तुमने अगर मेरे से क्वेश्चन पूछा ना लिखने के लिए, मैं नहीं लिख सकता है. एंड यू आर नॉट रॉन्ग, बट यू हैव टू गिव मी एटलीस्ट 40 days. आफ्टर 40 days आई एम श्योर तुम खुद ऐसा फील करोगे, हाँ अब मैं लिख सकता है, अब मेरे को समझ में आ रहा है. देखो मेरा जो रास्ता है ना, टफ रास्ता है, सच्ची बोल रहा हूं, टफ रास्ता है. क्योंकि बहुत ही डिटेल में जाएंगे, बहुत ज्यादा चीजों पर डिस्कशन होगा, पर वो रास्ता मेरे को पता है, तेरे को आर्टिकल्स में बहुत कम में आएगा जिंदगी में, तेरे को एग्जाम लिखने में बहुत कम में आएगा, और ये सेम फाइनल में भी आएगा. फाइनल में भी ऑडिट है, और फाइनल सिलेबस पता है क्या है? इंटर सिलेबस प्लस मदर चैप्टर्स, लॉट ऑफ चैप्टर्स. तो यही चीज उधर भी काम में आने वाली ना यार, अगर समझा तो उधर भी फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा मेरे को आइडियली. तो बस यार वैसा प्रिपरेशन दिमाग में रखने का है. इज दैट क्लियर टू यू? वापस से एमसीक्यू 14 marks, ये 56 marks के लिए तुमको मैं बहुत प्रैक्टिस कराएगा, इसके लिए मैं क्वेश्चन भी डिस्कस करेगा, इसके लिए मैं भी सजेस्टेड क्वेश्चन देगा. इज दैट क्लियर टू यू? यहां पॉसिबल है तो मैं वो करूंगा. समझा क्या? डोंट वरी, तुम्हारे लिए एक बुक है इसके ऊपर, क्वेश्चन आंसर बुक, छोटा सा बुक है, डोंट वरी. 250, हाँ हाँ, सारे चैप्टर के क्वेश्चन इकट्ठे किए हुए पूरे के पूरे. ये बहुत समराइज्ड बुक है. अगर मैंने, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, सुना है क्या नाम है सर? जैसे अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वैसे ऑडिट करने का भी स्टैंडर्ड्स है, सुना है क्या? एटलीस्ट ये ना ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स कुछ तो होता, सुना होगा ऐसा. अगर उसके क्वेश्चन तुमको देना शुरू किए, मेरे हिसाब से कम मेरे पास 500 पेज का कंपाइलेशन है. 500 पेज के अंदर सारे क्वेश्चंस है जो आज तक इंटर फाइनल में जब जब पूछे, ऑब्वियसली मेजोरिटी फाइनल के हैं सारे के सारे. मैं तुमको वो देकर के स्ट्रेस देना नहीं चाहता, मैं उसका पीडीएफ शेयर करूंगा तुम्हारे साथ. योर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट आइडियली, पर तुमको उसको टच करने का जरूरत नहीं. तुमने अगर इतना भी कर लिया जो मैंने क्लास में रोज लिखाया, इज्जत से वो लिख लिया, ढंग से पढ़ लिया, यू आर फाइन. एंड आई मीन दैट, डोंट वरी अबाउट इट. इज दैट क्लियर टू यू? चलो वापस आ जाओ. अभी तो ये समझा गया एटलीस्ट 30, 14, 56. हाउ मेनी ऑफ यू वर अवेयर ऑफ दिस एमसीक्यू एंड 14 mark करेक्टिंग? करेक्ट, पता था आप लोगों को इसके बारे में? अच्छा, हमें नहीं बताया था. अरे हाँ हाँ, ठीक है ठीक है. जिन लोगों को नहीं पता था, एटलीस्ट रेफरेंस के लिए आपको पता चल गया होगा. आगे बढ़े. अरे आगे बढ़ेगा भाई, किधर थे हम? वेयर वर वी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, बेसिक मीनिंग ऑफ जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट. क्लियर है क्या? पक्का? नोटबुक्स नेक्स्ट हेडिंग, नोटबुक्स नेक्स्ट हेडिंग, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सुना क्या आपने? ये तो पढ़ा होगा यार, तो फाउंडेशन में भी पढ़ा होगा तुम लोगों ने.
पक्का आपने दो भी पढ़ा होगा सर, इंटरनल एक्सटर्नल, ऐसा डिवाइड करके पढ़ा। कोई फायदा नहीं है उसका जिंदगी में, यूजर्स यूजर्स होते हैं, समझ रहे हो मेरा बात, और कुछ नहीं है। 2 मिनट के लिए डिस्कशन कर लेते हैं, ज्यादा कुछ डिस्कशन नहीं करेंगे। एक बात बताओ, इस कस्टमर अ यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस कस्टमर अ यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? नहीं यार, तुम अगर आईफोन खरीदने के लिए जा रहे हो तो एप्पल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकालते हो क्या? इफ यू आर गोइंग टू बाय एन आईफोन, डू यू टेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एप्पल फर्स्ट? कंपनी का नंबर ठीक लग रहा है क्या, फिर डिसाइड करूंगा खरीदना कि नहीं खरीदना है। आई एम आस्किंग यू ए क्वेश्चन, करते हो कैसे डिसाइड तुम? नहीं, तो कस्टमर यूजर नहीं होता क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का? कस्टमर यूजर है कि नहीं? इन सर्टेन केसेस, नॉट इन ऑल केसेस, ऐसा हो क्या? ठीक बात बोल रहे हैं। अब एक उल्टा सोचो, यू आर अ यूएस बेस्ड टेलीकॉम कंपनी, जैसे अपने पास इंडिया में एयरटेल है, जियो है, यूएस में दे हैव टी मोबाइल, एटीएनटी कंपनी का नाम है। अब लेट्स से उसको आईटी सर्विसेज का एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, उनका आईटी सर्विसेज का क्या साइन करना है? एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। दे वांट अ आईटी सर्विस प्रोवाइडर जो हमको साल भर तक प्रॉपरली मेंटेनेंस का सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। अब आपको मालूम रहेगा इंडिया का आईटी इंडस्ट्री ग्लोबली बहुत फेमस है, अच्छा क्वालिटी एट अ डिसेंट प्राइस। वी हैव इंफोसिस, वी हैव टीसीएस, टेक महिंद्रा, विप्रो, लॉट ऑफ प्लेयर्स, राइट? बहुत सारा प्लेयर्स है। आइडियली कोई एक नया प्लेयर है, इंडियन कंपनी, एक नया कंपनी फॉर एग्जाम्पल, जो इतना प्रोमिनेंट नहीं है, वो रीच आउट करता है यूएस कंपनी को, आई कैन प्रोवाइड यू दिस सर्विस ऑन एन एनुअल बेसिस, आई विल चार्ज यू एक्स अमाउंट। ऑब्वियसली नया कंपनी है, कम कोट करेगा इन कंपेरिजन टू इन्फोसिस, लॉजिकल पॉइंट है कि नहीं है? अब यूएस कंपनी को भी शायद वो इंटरेस्टिंग लग सकता है कि यार कम प्राइस में बढ़िया सर्विस दे सकता है ये आदमी। पर मैं ये डिसाइड करने से पहले उस इंडियन एंटिटी का क्रेडिबिलिटी तो जानना चाहूंगा कि नहीं जानना चाहूंगा? इस क्रेडिबिलिटी के लिए मुझे उसका शायद फाइनेंशियल्स का रेफरेंस भी लगेगा यार। सो आई एम ट्राइंग टू से अ कस्टमर नॉट इन ऑल केसेस इज अ यूजर, बट देयर कैन बी सर्टेन सिचुएशंस जहां पर आप कस्टमर एज अ कंपनी हो या मे बी एज अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, आप किसी को कोई कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट साइन करने से पहले, कोई सर्विस देने से पहले, कोई टेंडर, सुना क्या, टेंडर अप्रूव करने से पहले उस एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करना चाहोगे? इवैल्यूएट करना चाहोगे। तो समटाइम्स माय कस्टमर्स और कंज्यूमर्स कैन आल्सो बी यूजर्स ऑफ, वो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने के बाद बोलेगा ये क्रेडिबल एंटिटी है क्या, क्या इससे मैं ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता हूं या नहीं। मतलब हर केस में एक कस्टमर क्या नहीं होता है? यूजर नहीं होता है, बट इन सर्टेन केसेस हो सकता है। इज द कस्टमर कॉन्सेप्ट क्लियर टू यू? पक्का आपको ऐसा मालूम है? बस दो तीन चीजें डिस्कस करनी है ताकि थोड़ा अंडरस्टैंडिंग और इवॉल्व हो जाए, फिर मैं आगे जाऊंगा। बाकी यूजर्स आपको ऑलरेडी मालूम रहेगा, लेंडर्स यू ऑलरेडी नो दिस, लोन देने वाला आदमी तो फाइनेंशियल देखेगा ना यार, आइडियली पक्का। सप्लायर अगर वो क्रेडिट पे दे रहा है तो सोचना पड़ेगा ना सामने वाले का क्रेडिट बढ़ देने सच्चा है कि नहीं है। गवर्नमेंट एजेंसीज, पैसा, कॉम्पिटिटर्स, आर कॉम्पिटिटर्स यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? पक्का? अगेन नॉट इन ऑल केसेस बट मेजोरिटी केसेस में हाँ। मतलब एक कॉम्पिटिटर सोचेगा ना यार, अगर मैं कोई एक मेरे खास कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट में नया स्ट्रेटेजी बना रहा हूं, आई शुड नो द नंबर्स, पता होना चाहिए। अगर लेट्स से मैं प्राइस वॉर शुरू कर रहा हूं, सामने वाला क्या मेरे को भी खत्म कर सकता है क्या? इट डिपेंड्स अपॉन सामने वाले के बैलेंस शीट में पैसा कितना है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन जियो हैपेंड, एयरटेल डिड नॉट कंटिन्यू द प्राइस वॉर बिकॉज दे न्यू इट वॉन्ट हेल्प। आई हैव ओनली वन सोर्स ऑफ इनकम, जियो वॉज अ स्टार्टअप। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, माई सोर्स ऑफ इनकम इज डिफरेंट। आई होप मालूम रहेगा आपको ये चीज। मतलब रिलायंस के पास रिटेल से पैसा आ रहा है, अपना पेटकेम पेट्रोकेमिकल बिजनेस से पैसा आ रहा है, वो कोर बिजनेस था उसका। आइडियली मेरे पास पैसा अलग सोर्सेस से आ रहा है, जियो मेरे लिए लॉन्ग टर्म बिजनेस है यार। मैं पैसा 2 साल नहीं कमाऊंगा, 5 साल नहीं कमाऊंगा, पर उसके अगले 5 साल बहुत कमाऊंगा। स्ट्रेटेजी वो था। तो अगर मैं सामने वाले से कंपीट कर रहा हूं, आई नीड टू बी मोर केयरफुल कि सामने वाले का बैलेंस शीट का नंबर क्या है। अगर वो बहुत बड़ा मतलब मनी कैरी करता है साथ में, तो सेंस नहीं बनता उससे फाइट करने का। आइडियली आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट। सो यस, कॉम्पिटिटर्स आर ऑल्सो अप टू सम एक्सटेंट यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इधर आओ, हैव यू हर्ड अ वर्ड प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर? ये वर्ड सुना है आप लोगों ने? अ पर्सन हु इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन अ कंपनी, क्या उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूज करने चाहिए?
टिप के भरोसे नहीं जाना चाहिए, खुद के एनालिसिस के बेसिस पे जाना चाहिए। क्या यूजर्स थोड़ा क्लियर है अप्रोक्सीमेटली? एक और डिस्कस कर लेते हैं, एम्प्लॉयज। ये मजेदार है। अज्यूम करो तुम पोस्ट क्वालिफिकेशन किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, क्या तुम उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के जाओगे? माय क्वेश्चन टू यू, तुम जिस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो क्या उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने के बाद जाओगे क्या? हाँ क्या? अगर रेवेन्यू अच्छा नहीं है मैं नहीं जाएगा उधर, ऐसा क्या? देखो अगर मुझे पूछोगे, नॉट एवरी वन थिंक्स लाइक दिस, बट देयर इज नो हार्म। आपको एटलीस्ट थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सकता है या उल्टा हो सकता है। पता चले जिस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गए थे, समझ रहे हो? अभी एक एग्जांपल समझो, एक यूएस का कंपनी है, नाम से साउंड करता है फार्मा कंपनी है। कौन सा कंपनी है? बट वो फार्मा कंपनी नहीं है, वो बनाता है मेडिकल इक्विपमेंट्स। क्या बनाता है? देयर इज अ थिन लाइन, फार्मा इज मेडिसिन। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? दिस इज ओनली मेडिकल इक्विपमेंट। तुम उस कंपनी के बारे में पढ़ के ही नहीं गए, इंटरव्यू में गए, उसको बोला यस आई नो यूएस फार्मा वेरी बिग इंडस्ट्री, वो तेरे को बोलेगा थैंक यू, तेरे को मेरे कंपनी के धंधे के बारे में नहीं मालूम है। अच्छा इसमें आर्ग्यूमेंट हो सकता है, तुम जा रहे हो फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए। डू यू गेट माई पॉइंट? आई शुड बी गुड टेक्निकली बट यू शुड बी वेल अवेयर ऑल्सो यार। मैं तो तुम्हारा कंपनी क्या करता, तुमको अगर ये मालूम नहीं रहेगा इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। आई नो पीपल हु हैव बीन रिजेक्टेड। मैं जस्ट बता रहा हूं आपको, ये आई नो अ कंपनी विच इज यूएस बेस्ड, वेरी ओल्ड कंपनी बेस्ड इन पुणे, दे हैव अ ऑफिस, सम ऑफ आर स्टूडेंट्स ओनली वेंट, समझ रहे हो मेरा बात? एंड जिसने रिजेक्ट किया वो भी दोस्त है, उसने फोन करके भी बोला क्या हो गया आजकल के बच्चों को। मैं बोला आई हियर दिस एवरी डे, टेल मी समथिंग न्यू। उसने बोला नहीं यार क्या मतलब, पढ़ के भी नहीं आते कंपनी के बारे में। मतलब उसको मैंने ये पूछा हम करते क्या है, उसका आंसर ये था फार्मा में हो यार, यूएस फार्मा होता इतना बड़ा है, क्या बड़ा इंडस्ट्री आप लोग का। उसके ऊपर 5 मिनट बात कर रहा है मेरे से, उसको आइडिया भी नहीं है मेरा धंधा क्या है। मैं अगला कॉन्वर्सेशन क्या करूं, वॉट नेक्स्ट क्वेश्चन शुड आई आस्क? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। दीज आर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सो यू प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज, और लेट्स से तुम एक कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे हो, विल यू स्टिल बी ए यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? यस, बोनस, प्रमोशन, कंपनी का ग्रोथ है, पर अगर मेरे सैलरी में डिमोशन आ रहा है, यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? इधर इज अ फॉल, दिस विल बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट? प्लस लॉन्ग टर्म के लिए मुझे सेम कंपनी में रहना है या नहीं रहना है, वो डिपेंड करेगा ना कंपनी का ग्रोथ ट्रेजेक्टरी कैसा है। इफ कंपनी इज डूइंग गुड इवन आई विल गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज, राइट? लॉजिकली। सो यस, इवन एम्प्लॉइज कैन बी यूजर्स। गिविंग यू 2 मिनट्स, तुमको बहुत सारे यूजर्स मालूम है, कोई भी 5 नाम फटाफट से लिखो, क्लोज करो। यू हैव 2 मिनट्स, एनी 5 यूजर्स क्विकली राइट डाउन, देन वी विल गो नेक्स्ट। ये कॉपी करने का जरूरत नहीं है, कुछ भी 5 लिख सकते हो खुद से। डन। अभी थोड़ा ऑडिट भेजा गया, अभी तक क्या पढ़ा आपने? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यूजर्स। आगे बढ़ेंगे डायरेक्टली, कोर चीज पे आ जाएगा फटाफट से अभी, ठीक है? 2 मिनट ले, सुनो शांति से। देखो कंपनी, ये डाउट है मेरे को तुमसे, Who do you think is responsible to prepare financial statements? Who is responsible to prepare financial statements in a company? Who is responsible to prepare financial? मेरे को इतना मजा आता ना यार, मतलब बताया गया, इसीलिए बताया ऑडिट अच्छा ग्रुप 2 में ही है। ग्रुप 1 के बाद तुम आते हो थोड़ा सा, कुछ कुछ लोगों को लगता है यार बहुत सीख लिया मैंने। बताओ ना जरा, हु इज रेस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट? रेस्पॉन्सिबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ओके, एनीवन एल्स?
सीएफओ ऑफ द कंपनी. ओके, सीएफओ, यू नो व्हाट इज सीएफओ? पक्का ना सीएफओ पता है? सीईओ मालूम है? सीओओ मालूम है? सीटीओ मालूम है? सीआई? अच्छा रुक जाता हूं, इधर ही है. चीफ टेक्निकल ऑफिसर. देन सीआईएसओ मालूम है क्या? चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर. मतलब बहुत डेजिग्नेशन हो गए हैं, बिकॉज ऑब्वियसली सिंपल है ना यार. एक जमाने में कंपनी सिर्फ एक कंट्री तक ही थी, नाउ कंपनीज आर ग्लोबल, राइट? सो इवन डेजिग्नेशन जो है वो ग्लोबल हो गए कंपेरेटिवली, प्लस रिक्वायरमेंट जो है बिजनेस के बदल गए. एनीवेज, कम बैक वापस. हु इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीएफओ, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अकाउंटेंट, आर्टिकल. सर हम तो चांस ही नहीं है. वो जो नंबर देखा ना, उसमें कितने जीरो आएंगे, स्ट्रेस आ जाएगा मेरे को 1 मिनट के लिए. सर मैं इधर 25 लाख प्लस 25 लाख में गलती कर देता हूँ टोटल करने में. तुम तो उसके लिए भी कैलकुलेटर यूज करते होगे ना? सच्ची बताओ, रिस्क बिल्कुल लेने का नहीं, कैलकुलेटर में ट्रस्ट करने का दे. हाँ मेरे को मालूम है ऐसा कि 25 प्लस 25 50 है, मेरे को मालूम है. फिर भी रिस्क है थोड़ा सा यार, एक बार ऐड कर ही लेते, सेम मैच हुआ तो अच्छा लगेगा. मतलब मेरे को डाउट है तुम्हारे पे 100%. जिस ऑडिटर ने, एक सेकंड, सही आंसर, परफेक्ट, एक मिनट. जिस ऑडिटर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन किया है वो रिस्पॉन्सिबल है टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो मेरा क्वेश्चन प्रिपरेशन से चल रहा है यार. हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? सुनो, पहला रूल दिमाग में डाल लो ये चीज, ऑडिटर इज नेवर एवर रिस्पॉन्सिबल. कौन है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल नहीं है ये इंपॉर्टेंट है. प्लीज अंडरस्टैंड दिस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है. किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कंपनी का है. कंपनी में यू कैन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और यू कैन यूज द वर्ड मैनेजमेंट, दैट इज एक्चुअली अ बेटर वर्ड. कौन? मैन. देर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट ऑल्सो. बताऊंगा, टाइम आएगा, डोंट वरी, देर इज अ डिफरेंस, आई विल ओनली एक्सप्लेन यू. और पता है तो अच्छा बात है, रिविजन हो जाएगा तुम्हारा. देर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज TCWG. सुना क्या कभी? बढ़िया. दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस, दोज चार्ज्ड विथ गवर्नेंस इज कॉल्ड एज TCWG. अच्छा, ऑडिट कमिटी वर्ड सुना है? ऑडिट कमिटी वर्ड तो सुना होगा यार, पक्का. सेक्शन 177 है लॉ के अंदर, ऑडिट कमिटी, दैट इज एक्चुअली नथिंग बट माई TCWG. तो ये ऑडिट कमिटी क्या है, मैनेजमेंट क्या है, BOD क्या है, हम सब जाएंगे. अभी के लिए समझ लो सिंपल शब्दों में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट हो गया. देर कैन बी 10 डायरेक्टर्स इन अ कंपनी, बट नॉट ऑल कैन बी मैनेजमेंट. 10 में से हो सकता है 3 4 लोग ही मेरे बिजनेस को चलाते होंगे, डे टू डे बिजनेस के ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट करते होंगे, उनको मैं क्या बोलूंगा? मैनेजमेंट बोलूंगा. मतलब हो सकता है डायरेक्टर्स बहुत सारे होंगे, उनमें से कुछ लोग ही किसका पार्ट होंगे? मैनेजमेंट. अरे वो मेरे लिए फुल टाइम डायरेक्टर्स रहेंगे, होल टाइम डायरेक्टर्स रहेंगे, जो एक्चुअली डे टू डे बिजनेस के अंदर क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं. इसीलिए छोटी छोटी चीजें आपको पता चलेगी. अभी के लिए इंपॉर्टेंट ये था, ऑडिटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट फाइनेंस. सिंपल सुनो, अभी कंपनी का मैनेजमेंट अज्यूम करो प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. हियर वी हैव यूजर्स, मैनेजमेंट प्रिपेयर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. यूजर्स कौन कौन है? लिख के दिए तुमको. अरे हाँ या ना, दे वॉन्ट टू रिलाई ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. कैन दे रिलाई ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय द कंपनी? अरे ऐसा तुम तो बेइज्जती कर दिया यार. यूजर्स कैन नॉट रिलाई ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय द कंपनी. आपस से, कंपनी मैनेजमेंट दे प्रिपेयर्ड व्हाट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. यूजर्स कौन कौन है तुमको मालूम है? कैन दे रिलाई ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय द कंपनी? सर हम चाहे तो भी डर लगेगा, देयर इज ऑलवेज अ फियर, बिकॉज जो कंपनी को रन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो तो अपने हिसाब से कुछ भी दिखा सकता ना यार. देर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ विंडो ड्रेसिंग. सुना क्या बड़े कभी ऐसा? बहुत सारे वर्ड्स आने वाले हैं. उर्फ एक वर्ड सुना होगा, फ्रॉड.
समझ रहे हो मेरा बात, वो तो बहुत ही डिटेल्ड वर्ड है, हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट बॉटम लाइन देयर नीड्स टू बी अ थर्ड पर्सन, दैट इज वेयर ऑडिटर कम्स इन टू पिक्चर. वॉट इज द रोल ऑफ ऑडिटर? ऑडिटर विल एग्जामिन इवैल्यूएट वॉट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय हुम? मैनेजमेंट. आफ्टर इवैल्यूएशन ऑडिटर विल प्रिपेयर अ रिपोर्ट. After evaluation, auditor will prepare a report. That report is called as audit report. That report is called as. जिसके बाद में ये users क्या कर सकते हैं? Rely कर सकते हैं. Users क्या कर सकते हैं? Rely. So normally auditor की वजह से ये जो financial statements है क्या बन जाएंगे? Reliable बन जाएंगे और users उनको use करके decision ले पाएंगे. क्या basic मतलब clear है क्या पक्का? इधर ही एक important point है. यहां पर हम बात करें वापस से किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का. पर ऑडिट इज नॉट जस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ऑडिट ऑडिट कैन बी एग्जामिनेशन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन. फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छा बात है, आपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन किए होंगे. कॉस्ट रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? मटीरियल, लेबर, सुना है क्या? ओवरहेड्स. इनके भी रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं ना भाई. अरे उनका भी तो ऑडिट हो सकता है ना यार. और आपको याद होगा एक कोई तो चैप्टर पढ़ाया होगा जिसे बताया था सर कॉस्ट रिकॉर्ड्स के हिसाब से प्रॉफिट अलग आ सकता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से अलग आ सकता है. तुमने मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन बनाया होगा बैठ करके. बनाया था कि नहीं बनाया था? उधर टीचर ने तुमको बोला होगा कॉस्ट रिकॉर्ड्स अलग होता है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स अलग होता है. कॉस्ट रिकॉर्ड सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, कॉस्ट ऑडिट सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है. तो 148 में लिखा है वो सेक्शन कंपनीज एक्ट. समझा क्या? समझो वापस से. सर ऑडिट इज एग्जामिनेशन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, इट डजंट हैव टू बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ऑडिट एक ओपन एंडेड वर्ड है. हाँ, इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर? आप एग्जामिनेशन करोगे, इवैल्यूएशन करोगे कुछ इंफॉर्मेशन का, कुछ फैक्ट्स का. इट कैन बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट, इट कैन बी टैक्स ऑडिट, इट कैन बी कॉस्ट ऑडिट, इट कैन बी सेक्रेटरियल ऑडिट, और बहुत सारे हो सकते हैं. एनवायरमेंटल ऑडिट, मतलब बहुत सारे हैं. लेट्स नॉट गेट देयर. तुम्हारे सिलेबस में क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट. इसीलिए यहां से जब हम डिस्कशन करेंगे हमारा फोकस सिर्फ किसके ऊपर रहेगा? वर्ड ऑडिट जब भी बोलेंगे इसका मतलब क्या होगा? फाइनेंशियल स्टेट. थोड़ा बात समझ में आया क्या? आइडियली ये वर्ड कहां और क्यों रेलेवेंट बन रहा है समझना जरूरी है. इट इज नॉट जस्ट नॉर्मल ऑडिट. नॉर्मल ऑडिट का मतलब है एग्जामिनेशन करना. किसी भी चीज का एग्जामिनेशन हो सकता है यार, बट जब मैं बात कर रहा हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एग्जामिनेशन का, तब वो ऑडिट कहलाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट. Now, in your notebooks, give a next heading, definition of audit. Definition of audit. Under that, write down. Definition of audit, under that, write down. It is an independent examination of financial information. Independent examination of financial information for any entity. Whether, and this is which whether, I hope you know. Sorry, my bad. This is the highest level of joke I can go to. मेरे को इसके अलावा कुछ नहीं आता है. Whether profit oriented or not, अगर मेरे को तुम्हारे नोटबुक में किसी के इधर भी WEA मिला, WEATH अगर मिला ना, मैं तुम्हारा नोटबुक चेक करेगा. मैं बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा सच्ची में. अभी तो थोड़ा स्टार्टिंग का दिन है, 5-7 दिन के बाद में बहुत सारा तुमको लिखने के लिए दे देगा. मैं नोटबुक चेक करेगा तुम्हारा, तुम्हारा हैंड राइटिंग बढ़िया मस्त रहेगा एकदम. मालूम है मेरे को. फिर तुम एक वर्ड लिखते हो, 4 सेंटेंस छोड़ देते हो, फिर कुछ लिखते हो, बहुत सारे होमवर्क देगा, ब्लैंक स्पेस दिखते जाएंगे तुमको. ऐसा होगा, डोंट वरी, गिव इट सम टाइम. आई विल गिव यू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन द एंड. फॉर एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, and irrespective
whether profit oriented or not, and irrespective of its size, irrespective of its size or legal structure, irrespective of its size or legal structure, with a view to express an opinion on these financial statements. Opinion on these financial statements. ये जो financial statement word लिखा ना, उसके brackets में लिखो financial information. On these financial statements, brackets में लिखो financial information. एक मिनट शांति से पढ़ो क्या लिखा है. स्टेप बाय स्टेप आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी. जस्ट स्पेंड 2 मिनट्स. पढ़ा गया कुछ, समझा गया कि उड़ गया ऊपर से, समझा तुमको. अच्छा आ जाओ, वापस आ जाओ. क्या लिखा देखो जरा. इट इज एन इंडिपेंड, रुक जाओ उधर ही सर. ये इंडिपेंडेंट वर्ड का मतलब क्या है? समवन हु इज अनबायस्ड. अरे हाँ है ना, समवन हु इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड और फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस. यस और नो सर? क्या ये इंडिपेंडेंट वर्ड डिफाइन कर सकते हो क्या कि कौन इंडिपेंडेंट रहेगा कौन नहीं रहेगा? There is no clear cut definition. Everyone listen to me carefully. ये independent word आपको true sense में समझेगा when we actually finish 2 auditing standards and Companies Act के few provisions. अगर आप में से किसी ने पढ़ा होगा तो आपको Companies Act में एक section 141 पढ़ाया होगा, disqualification of an auditor. वर्ड सुना होगा डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर. कब कब आप क्वालिफाइड नहीं हो टू बिकम एन ऑडिटर? अरे यस और नो? वो एक्चुअली इंडिपेंडेंट वर्ड के लिए बनाया है, इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करने के लिए. कंपनीज एक्ट के बहुत सारे प्रोविजन है, 141 तो एक है. एक कॉन्सेप्ट है रोटेशन ऑफ एन ऑडिटर, कि एक पीरियड के बाद में आप सेम कंपनी का ऑडिट कंटिन्यू नहीं कर सकते हो. अरे क्यों ऐसा रोक रहे? मेरे को मत बताओ, आई विल कम देयर, डोंट वरी अबाउट इट. मैं तुमसे बहुत क्वेश्चन पूछेगा, टेंशन मत लो एकदम. अरे नहीं परेशान करेगा यार, बट पॉइंट समझो. रोटेशन बनाया है, डिस्क्वालिफिकेशन बनाया है, फिर एक और है. इफ यू आर अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ अ कंपनी, यू आर प्रोहिबिटेड टू परफॉर्म सर्टेन सर्विसेज फॉर द सेम कंपनी. तुम कंपनी के लिए अगर अकाउंटिंग कर रहे हो और ऑडिटिंग भी कर रहे हो, सेंस ही नहीं बनता ना यार आईडिया. जस्ट इमेजिन नो यार, तू नहीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाया, तू ही ऑडिट कर रहा है. कम से कम एक रहम कर, खुद को डाउट तो मत कर. मतलब वैसे तूने ये करना ही नहीं चाहिए, इट इज इलीगल. डू यू गेट माय पॉइंट? कर भी रहा है तो चेक क्यों कर रहा है फिर? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट. 144 उसको भी अलाउ नहीं करता है. मतलब इंडिपेंडेंस जो है ना बेटा, इट्स नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड. आई विल जस्ट गिव यू वन डेफिनेशन, यू विल अंडरस्टैंड. इंडिपेंडेंस को समझने के लिए आपको अरे इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड अलग होता है, इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस अलग होता है. अभी बहुत हो गया सर, बट आई एम ट्राइंग टू से स्टैंडर्ड्स आर इन एक्सट्रीम डिटेल. मैं आपको जेन्युइनली इतने सिचुएशन देगा, एक एग्जांपल दूंगा तुमको मैं. एक एग्जांपल, चलो तुमको डाउट समझ में आएगा मेरा क्या है. अभी एक एग्जांपल चलेगा. देखो अभी तक मैं डर रहा था, मैं एग्जांपल पे टच ही नहीं कर रहा बिल्कुल भी. एक सिंपल सा एग्जांपल समझोगे क्या? अज्यूम करो मेरा एक ऑडिट फर्म है, मैं नहीं है प्रैक्टिसिंग सीए, सॉरी, कोई एक ऑडिट फर्म है एक्स वाई जेड. हाँ, आई डोंट हैव अ सीओपी, आई एम टेलिंग यू. देयर इज सम. अच्छा, सीओपी डू यू नो? सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस. थैंक गॉड. हाँ, एक्स. नहीं 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 नहीं, तुम ऐसा सोच रहे हो अभी. गिव इट सम टाइम, एवरीवन विल हैव एवरी सेट ऑफ डाउट्स. It will come. XYZ एक फर्म है. फर्म का टोटल रेवेन्यू 1 crore, ठीक है. XYZ is ऑडिटर फॉर अ कंपनी एबीसी. इस कंपनी को ऑडिट करके मेरे को 95 लाख आता है.
ऑडिट फर्म है, 1 करोड़ का रेवेन्यू है मेरा, उसमें से 95 लाख मेरे को एक ही कंपनी को ऑडिट करके आता है। डोंट यू थिंक ये ऑडिट कभी जाना ही नहीं चाहिए? अरे लॉजिकली मेरा सब कुछ उधर से आ रहा है यार, मेरे ओवर डिपेंडेंसी नहीं, ओवर मतलब उसी पे हूं मैं। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट। कैन आई से आई एम गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट व्हाइल डूइंग द ऑडिट ऑफ एबीसी एंड कंपनी? सर मैं सब 141 140 तुम्हारा सब सब फॉलो करता है, मैं सब कंप्लाई करता है, बट इधर से इंडिपेंडेंट है क्या मैं? यू कैन डिसाइड दिस, बट कैन आई हैव अ डाउट फॉर श्योर? अरे लॉजिकल है, डाउट हो सकता है कि नहीं हो सकता है यार, समझ हो गया मेरा बात? सो इंडिपेंडेंस इज नॉट जस्ट लॉ, उन्होंने बताया देर कैन बी थ्रेट टू इंडिपेंडेंस ऑल्सो, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, कि ऑल दो यू आर इंडिपेंडेंट ऑन पेपर, सब कंप्लायंस कर रहे हो तुम, किधर से भी डिस्क्वालीफाइड नहीं हो तुम, रोटेशन अभी तक अप्लाई नहीं हुआ, छोड़ो हर कंपनी के लिए रोटेशन एप्लीकेबल भी नहीं है यार, ये वो कंपनी रहेगा जिसके लिए रोटेशन भी अप्लाई नहीं होता है, फिर बोलो रोटेशन आया नहीं तुम्हारा कॉन्सेप्ट ही। मैं सब कंप्लाई कर रहा है, पर सर मेरा ओवर डिपेंडेंसी है, इट इज विजिबल, अगर ये कंपनी का ऑडिट चले गया तो मेरे एग्जिस्टेंस में क्वेश्चन आ जाएगा यार, सिचुएशन समझो, क्या ये मेरे इंडिपेंडेंस को थ्रेट हो सकता है? 100% ये केस भी कवर किया है, मैं तुमको वही समझा रहा हूँ, इंडिपेंडेंस वर्ड बहुत आसान है बोलना, बहुत डिटेल्ड है, वो वर्ड का अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली में तुमको बहुत टाइम लगेगा, पर धीरे 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 आएगा, मतलब देर आर डिफरेंट पर्सपेक्टिव, देर आर डिफरेंट साइड्स टू दिस, वो आपको समझने पड़ेंगे, दिस इज जस्ट वन एग्जांपल, देर आर गोइंग टू बी लॉट ऑफ सच डिफरेंट एग्जांपल्स, डोंट वरी, अभी के लिए इंडिपेंडेंट का मतलब है समवन हु इज अनबायस्ड, समवन हु इज फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस ऑफ द कंपनी, वो मेरे लिए क्या हो गया इंडिपेंडेंट, थोड़ा सा समझा क्या? और ये इंडिपेंडेंट इतना इंपॉर्टेंट है बेटा कि आपकी ऑडिट रिपोर्ट जो होती है ना उसका हेडिंग ही वो होता है। If you look at the heading of the audit report, समझ में आएगा मेरे बात? Rather वो heading represent करती है ये financial statement auditor है। कौन सा auditor है? क्योंकि कौन सा auditors का report है? Independent auditors का report है। अब देखो इसमें भी types of auditor होते हैं, तुमने शायद सुना होगा कभी तो, ऐसा internal auditor होता है, external है, बहुत मजा आएगा, टेंशन मत लो, हम जाएंगे उधर, give it time, अभी के लिए वापस आ जाओ सर, अभी के लिए definition, इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन ऑफ वॉट? फाइनेंस सर, नहीं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लिखा है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लिखा कि नहीं लिखा है सर? क्योंकि ये जो डेफिनेशन है ना ये ओपन एंडेड है, हम इंडिया में फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, और ऑडिट का मतलब है मैं पूरे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चेक करूंगा, फॉर अस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिल किधर से रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिल रहा है, तो हाँ इंडिया के लिए मैं बोल सकता हूं इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बड़ा कॉन्सेप्ट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडिया के लिए वो उसका पार्ट है, बात समझ में आया क्या? इंफॉर्मेशन ओपन एंडेड होता है, स्टेटमेंट में लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है, आप समझ रहे हो क्या मेरा बात? इसीलिए नोट्स टू अकाउंट्स बनाया है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देना तो किधर इंक्लूड कर दो? नोट्स टू अकाउंट, समझ में आ रहा है क्या मेरा बात? सर इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंस, आगे देखो क्या लिखा है, फॉर एनी एंटिटी, मतलब सर आर यू ट्राइंग टू से स्मॉल कंपनी, सुना होगा ना, उसके लिए ऑडिट एप्लीकेबल है, स्मॉल कंपनी के लिए ऑडिट एप्लीकेबल, यस फॉर एवरी कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, स्मॉल कंपनी, योर सेक्शन 8 कंपनी, सुना क्या आपने? If you are a company under Companies Act, आपके लिए क्या एप्लीकेबल है? ऑडिट है। और एक कौन सा ऑडिट का बात कर रहा हूं मैं? फाइनेंशियल, बोला तुमको बहुत सारे ऑडिट होते हैं, टैक्स ऑडिट अलग है, कॉस्ट ऑडिट अलग है, ये कौन सा ऑडिट है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट, मतलब सर इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द कंपनीज, चाहे तुम्हारा साइज छोटा है या बड़ा है, कंपनी के हिसाब से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर साइज और लीगल स्ट्रक्चर। सुनो इधर एक क्वेश्चन आएगा दिमाग के अंदर, क्या पार्टनरशिप फर्म के लिए ऑडिट कंपलसरी है क्या? क्या सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए ऑडिट कंपलसरी है क्या? क्या एलएलपी के लिए ऑडिट कंपलसरी एप्लीकेबल है क्या? ये हमको डिस्कशन करना पड़ेगा, बट रेफरेंस के लिए बोल देता हूं, पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप ऑडिट कंपलसरी नहीं होता है, वो वॉलंटरीली ऑडिट करवा सकते हैं, क्या करवा सकते हैं? वॉलंटरीली। एलएलपी के लिए लिमिट दिया है रेवेन्यू का एंड कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन का, वो क्रॉस करोगे तो आपके लिए ऑडिट एप्लीकेबल। ये कौन से ऑडिट्स का बात कर रहा है मैं? फाइनेंस। टेंशन मत लेना, जो बोल रहा है जब रेलेवेंट आएगा सब लिखवा के दूंगा, देर इज नथिंग विच विल मिस आउट, ऐसा कुछ नहीं होगा मैं बोल दूंगा नहीं लिखवाऊंगा,
और तुम मिस कर दोगे, कुछ भी नहीं होगा सर, बिल्कुल टेंशन मत लो अभी के लिए। सर इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज और लीगल स्ट्रक्चर। आगे देखो क्या लिखा, विथ अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। प्लीज अंडरस्टैंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, पूरा ऑडिट खत्म करने के बाद में मुझे एज अ ऑडिटर एक रिपोर्ट बना के देना है। क्या बना के देने का है? रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में क्या आने वाला है? ओपिनियन आने वाला है। क्या आने वाला है? ओपिनियन। आपको सिर्फ दिखाता हूं, देखो रिपोर्ट आपने शुरू किया सीधा, कैन यू सी वर्ड ओपिनियन डायरेक्टली, मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मेरे ऑडिट रिपोर्ट का। क्या है सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मेरे ऑडिट रिपोर्ट का? इसीलिए आप नोटिस भी करेंगे जब मैं आपको बुक्स दूंगा, आपको तीन मॉड्यूल मिलेगा, पहला मॉड्यूल के पीछे सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट, मतलब इतने ऑडिट रिपोर्ट रहेंगे तुम मेरे को परेशान कर दोगे लास्ट में। ये देखो ये तुम्हारे बुक का एंडिंग है, छोटा सा बुक है 350 पेज का ऑडिट रिपोर्ट्स। अरे आखिर के 50 तो रिपोर्ट्स ही है यार, पाइजेट टीसीएस, टीसीएस तो बहुत सालों के हैं, कंसोलिडेटेड स्टैंड अलोन, फिर तुम्हारा आईसीआईसी बैंक भी आएगा, बैंक ऑडिट भी है ना तुम्हारे सिलेबस में है, बता रहा हूँ आपको वो भी तुम्हारे सिलेबस में है, तुम्हारे सिलेबस में बहुत कुछ है, बैंक ऑडिट, कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट, सिनेमा हॉल का ऑडिट, उस पर क्वेश्चन भी आया था, यूजलेस क्वेश्चन लास्ट पेपर में जाएगा, क्यों यूजलेस ये भी बताऊंगा, फिर एलएलपी का ऑडिट, पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट, हॉस्पिटल का ऑडिट, क्लब का ऑडिट, एनपीओ का ऑडिट, लीजिंग कंपनी का, बहुत हो गया छोड़ दो थे, मतलब बहुत सारा है। तो आईसीआईसीआई बैंक ऑडिट रिपोर्ट रहेगा, देन यू विल हैव इन द एंड रिलायंस वापस से आएगा घूम फिर करके, बहुत सारे ऑडिट रिपोर्ट है। क्यों है? क्योंकि ऐसा बहुत सारा डिस्कशन रहेगा जिससे कनेक्टेड है यार। मैं चाहता नहीं हूं जितना रिक्वायर्ड था, मतलब पहले एक जमाने में 100 पेजेस की रिपोर्ट है मेरे, मैंने समझा ये बहुत ज्यादा हो गया, अभी इतना बच्चा पढ़ता नहीं है कन्फर्म है, तो कम करके मैं 30-40 पे लेके आ गया, क्योंकि इतना तो मिनिमम है जो उसने पढ़ना ही है, तो मैं क्लास में पढ़ा दूंगा उसको, उसके आगे का उसकी मर्जी। यू गेट माई पॉइंट, ये रिपोर्ट बहुत रेलिवेंट है, तुमको समझेगा। मैं क्या चाहता है पता है क्या? आई थिंक अभी तुमको एक ओवरव्यू दूंगा मैं उस चीज के बारे में, 2 या 3 दिन के बाद में मैं रिपोर्ट शुरू कर दूंगा पढ़ाना सीधा, हाँ डायरेक्टली, और रिपोर्ट पढ़ेंगे और तुम पूरा 1-2 महीने के बाद में वापस रिपोर्ट पढ़ोगे, तुमको समझेगा कि मैं किधर था और किधर पहुंच गया है, समझ रहे मेरा? चेंज वेरियंस सीखना चाहिए फेवरेबल वाला, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। एक चैप्टर है वैसा भी, समझ रहे मेरा बात, वो भी इधर आएगा, उसको एक प्रोसीजर लगा दें ऑडिट में, इट इज कॉल्ड एज एनालिटिकल प्रोसीजर, ऑडिट में प्रोसीजर उसको बोलते, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात कर रहा था मैं, इन केस नहीं समझा है तो, देयर इज अ प्रोसीजर कॉल्ड एज एनालिटिकल प्रोसीजर, वो वापस आएगा उधर। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से उसका लॉजिक है, अपना टेंशन मत लो अभी के लिए। सर वापस से डेफिनेशन में एक चीज समझ में आया, सिंपल शब्दों में डेफिनेशन एक ही था, एवरीवन कम बैक टू डेफिनेशन फॉर 1 मिनट। सर डेफिनेशन सिंपल शब्दों में यह है, इंडिपेंडेंटली एग्जामिन करो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, ताकि आप क्या दे सकते हो, ताकि आप क्या दे सकते हो, ओपिनियन, ताकि आप क्या दे सकते हो, ओपिनियन किसके ऊपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। ओपिनियन क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, ओपिनियन का लैंग्वेज क्या है, सब पढ़ेंगे अभी के लिए। बेसिक ऑडिट वर्ड का मतलब समझा क्या? अब बिफोर यू मेक अ मिस्टेक डू वन थिंग, गो टू योर नोटबुक्स, आपने हेडिंग क्या लिखा, डेफिनेशन ऑफ ऑडिट लिखा होगा राइट, गलत है वो, डेफिनेशन ऑफ ऑडिट के ब्रैकेट्स में लिखो, जगह छोड़ा ना तुम लोगों ने, बोला था मैंने नेक्स्ट लाइन में डेफिनेशन लिखने का है, छोड़ा कि नहीं छोड़ा, जगह नहीं छोड़ा तो एरो बना लो किधर, कुछ तो लिख लो यार, डेफिनेशन ऑफ ऑडिट के बाजू में लिखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट, लिखो उधर डेफिनेशन ऑफ ऑडिट के ब्रैकेट्स में लिखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट स्लैश मतलब और एक्सटर्नल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट और बस सर बहुत हो रहा है, स्टैट्यूटरी ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट और स्टैट्यूटरी ऑडिट। मतलब सुनो ये तीनों वर्ड एक्चुअली में इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। अब यहां से हम जब भी बोलेंगे ऑडिट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट है। सर व्हाई द अदर टू वर्ड्स, कैन आई सी टू अदर वर्ड्स, दो और दिख रहे हैं क्या, देखो एक बोलता है एक्सटर्नल और दूसरा क्या बोलता है, व्हाट इज एक्सटर्नल, समवन हु इज नॉट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी के बाहर वाला इंसान होना चाहिए ना यार, तभी तो वो इंडिपेंडेंट ऑडिटर कहलाएगा यार, इसीलिए उस ऑडिटर को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटर। तीसरा वर्ड क्या देखो, स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी क्यों, बिकॉज दिस ऑडिट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ,
बिकॉज दिस ऑडिट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज स्टैट्यूटरी ऑडिट. बाद में आपको बताएंगे देर इज अनदर कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज इंटरनल ऑडिट. एक कॉन्सेप्ट और होता है जो ये नहीं है, वो अलग कॉन्सेप्ट होता है, उसको हम टच नहीं करेंगे. वो कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन 138 के अंदर आएगा, जब आपको इंटरनल कंट्रोल वगैरह समझाया जाएगा, 138 का इंटरनल ऑडिट भी समझेगा. अभी के लिए उसको हटा दीजिए. हमारा डिस्कशन कौन से ऑडिट के ऊपर है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट, या बोल दो एक्सटर्नल ऑडिट, या बोल दो, मतलब समझा के तीनों वर्ड्स का. दे ऑल आर इंटरचेंजेबली यूज्ड. जब जिंदगी में आर्टिकलशिप का इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो क्या बोलोगे उसको? ऑडिट डिपार्टमेंट में. वो पूछेगा कौन सा डिपार्टमेंट. ऑडिट में भी मेरे पास में एक्सटर्नल है, इंटरनल है. समझा गया मेरे बात आईडी? विच डिपार्टमेंट? दैट आंसर यू विल गेट आफ्टर फ्यू डेज. ऑब्वियसली यू डोंट नो व्हाट इज इंटरनल ऑडिट, हाउ कैन यू डिसाइड एक्सटर्नल ऑडिट टुडे? लॉजिकल है कि नहीं है? व्हेन वी अंडरस्टैंड इंटरनल ऑडिट ऑल्सो देन यू मेक अ डिसीजन, नॉट टुडे. एटलीस्ट बेसिक डेफिनेशन ऑफ ऑडिट क्लियर है क्या अभी? गुड, एक मिनट दे रहा हूं. शांति से जो आपने लिखा है उसको पढ़ो नोटबुक के अंदर. जस्ट वन मिनट, इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड. जो लिखा है उसे पढ़ो. एकदम सिंपल लग रहा है अभी तक, समझ में आया? ज्यादा कुछ पढ़ा ही नहीं है. रोल ऑफ ऑडिटर ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है. एक कंपनी है, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक साइड में आएंगे, मैनेजमेंट हु इज गोइंग टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दोनों के बीच में ब्रिज कौन करेगा गैप? स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज आपको ऑलरेडी मालूम है. अंडरस्टैंडिंग स्टैब्लिश होते जाएगा, आगे जब नेक्स्ट चीजें पढ़ते जाओगे और समझ में आएगा. कितना क्लियर है क्या? आगे बढ़े क्या? नेक्स्ट नेक्स्ट हेडिंग. चलो अब आएगा मजा, थोड़ा हम एंटर करेंगे भी. स्टेप्स, स्टेप्स इन ऑडिटिंग, स्टेप्स इन ऑडिटिंग, स्टेप्स इन ऑडिटिंग. अभी सर व्हेन वी यूज द वर्ड ऑडिट इट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट. अज्यूम करो आपको एक कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करने का है, उसमें क्या स्टेप्स आते हैं? एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ओवरव्यू आपको दिया जाएगा, ठीक है? अ सिंपल क्वेश्चन टू यू, हाउ मेनी ऑफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट योर प्रैक्टिस इमीजिएटली आफ्टर क्वालिफिकेशन? क्वालिफिकेशन का प्रैक्टिस करने का आपको इमीजिएटली नहीं करने का, 2 साल के बाद करने का, 4 साल के बाद करने का, कितने लोगों को प्रैक्टिस करने का, इतना बोलो. चलो नाइस, आई सी ए गुड नंबर, गुड, ओके. प्रैक्टिस करने का ना, खड़ो जाओ बेटा. अरे क्या नाम है तेरा? आदित्य. तुम लोग प्यार से उसे क्या बुलाते हो मुझे नहीं जानने का है. आदित्य, अच्छा, हाउ विल यू गेट योर फर्स्ट क्लाइंट? प्रैक्टिस शुरू किया, हाउ विल यू गेट योर फर्स्ट क्लाइंट? अरे ए जल्दी, आर्टिकल से मैं कॉन्टेक्ट बना लूंगा. मैं सुन रहे हो क्या बोल रहे हैं? आर्टिकलशिप के दौरान जिन जिन क्लाइंट के लिए काम करूंगा उनसे बढ़िया रिलेशनशिप बनाऊंगा जैसे ही क्वालिफाई होऊंगा. अच्छा सोच नहीं है पहली बात तो तुमको बता देता हूं मैं. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट. बिफोर यू आर अपॉइंटेड एज ए न्यू ऑडिटर, प्रीवियस ऑडिटर से आपको एनओसी लेना पड़ता है बेटा. उसके पहले आर्टिकलशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी लेना पड़ता है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट. नहीं सर मैं स्मार्ट रहेगा ना, सब करवाने के बाद फिर ऑफिस खोलेगा फिर पीछे से. अनप्रोफेशनल है ये, गलत है, ऐसा नहीं, नहीं मैं ये आंसर एक्सेप्ट नहीं करूं. कोई और तरीका तेरे पास में? ऐसा मत करना मेरे को, सही ये अनएथिकल है 100%.
जिसने तुमको सिखाया है। मेरे हिसाब से तो ये गलत है, मैं तो तुमको क्लियर आंसर दूंगा, ऐसा नहीं। रादर एक चीज भूल, याद रखना जिंदगी में, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मेजॉरिटी चीजें मुझे एटलीस्ट अपनी जिंदगी में आर्टिकलशिप में सीखने को मिली है। मतलब वहां जो तुम्हारे सीनियर्स होते हैं, जो तुम्हारे मैनेजर्स होते हैं, कितना इज्जत से वो सिखाएंगे ना, मार मार के, चिल्ला चिल्ला के, वट एवर इट इज, इन जनरल उतना अच्छे से कोई नहीं सिखाता है। देयर इज अ रीजन बिहाइंड दिस। उन्हें कोई कैरिकुलम फॉलो नहीं करना है, उन्हें आपसे कोई एग्जाम नहीं लिखवाने का है, उन्हें आपको जेन्युइनली सिखाने का है कि सिचुएशन में क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको उनको बहुत रिस्पेक्ट करना चाहिए। इमोशनल होने का बात नहीं, जनरल बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा थॉट मत लेके आना अगली बार। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये रहेगा, रादर यू शुड ऑलवेज बी रेस्पेक्टफुल कि उनको, उन्होंने तुमको सिखाया है यार। मतलब तुम उनका हेल्प ले सकते हो जिंदगी, और जरूरत पड़ेगा बेटा, सोचना। ये तुमको लग रहा है तुमको सब आ गया आर्टिकलशिप में, तो नहीं होता है, कभी ना कभी ऐसा होगा, कॉल उनको ही करना पड़ेगा और उठाएंगे वही, क्योंकि उन्होंने आपको सिखाया, ध्यान रखना जिंदगी में। हाँ अभी बोल, अभी सीरियस हो गया, मेहनत करूंगा, अभी देखो देखे रह गया आईडी ले आगे। मतलब ऑनेस्टली यही बोल रहा हूं, बैठ जा बेटा, सही बोल रहा है, ये सबसे टफ चीज है। मैं वापस खड़ा करने के लिए बोलूंगा तो टेंशन मत ले, आई लास्ट यू टू, डोंट वरी। ये सबसे टफ चीज है, नया प्रैक्टिस स्टार्ट करना इज नेवर इजी, बिकॉज आपका जो नेटवर्क रहेगा वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड रहेगा बाय समवन एल्स, क्योंकि आप किसी के अंडर काम कर रहे थे, किसी के साथ में काम कर रहे थे, वहीं से आपने सीखा होगा चीज। स्टार्टिंग बहुत टफ होता है, बहुत। मतलब उसके लिए आपको मालूम है ना, पैम्फलेट एम्फलेट बना के नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, न्यू सी इन टाउन न्यूज़पेपर के ऊपर पैम्फलेट लगाया, स्टैट ऑडिट के साथ टैक्स ऑडिट फ्री, समझ रहे हो मेरा बात, जीएसटी एडवाइजरी ऑल्सो फ्री, ऐसा नहीं कर सकते, मालूम है ना आपको, ये एडवर्टाइजिंग अलाउड नहीं है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रोफेशनल एथिक्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, जो आपको प्रोहिबिट करता है इन सब चीजों से। आई होप इतना मालूम रहेगा पक्का, समझ रहे हो। तो इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, इट्स गोइंग टू बी टफ, यू विल हैव टू मीट लॉट ऑफ न्यू पीपल, यू विल हैव टू इंटरैक्ट विद देम। कि अगर फॉर तुम्हारे साथ वाले जो लोग हैं, इनमें से कोई अपना बिजनेस शुरू करता है, यू ट्राई टू रीच आउट टू देम, ये लोग कुछ नए ऑर्गेनाइजेशंस के पार्ट बने, अब आपका कनेक्ट है उनसे, उनसे आप क्लाइंट लेकर जाना चाहोगे। चलो अज्यूम करो, अभी तक खड़ा हो जाओ वापस, मैं तेरे पास में एक एक कंपनी का ओनर है, फॉर एग्जाम्पल इसके पास में है, मेरे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर दे, रेवेन्यू लेट्स से कुछ 20 CR, कैन यू डू द ऑडिट ऑफ माय कंपनी, विल यू एक्सेप्ट इट और नॉट? यस, कंपनी कैसी है देखेगा और फीस पूछेगा, फीस का देखना पड़ेगा। क्या आपने रैंडमली एक्सेप्ट करना चाहिए और सोचना चाहिए? सोचना चाहिए, क्यों? हो सकता है आर्टिकलशिप में कभी एनबीएफसी के लिए कमी नहीं किया होगा और पहला क्लाइंट एनबीएफसी आया है, पहले रिक्वायरमेंट जाके पढ़ने पड़ेंगे। आई होप यू अंडर, लर्निंग नेवर स्टॉप्स, रादर अकॉर्डिंग टू मी द रियल लर्निंग स्टार्ट्स, और कोई हेल्प करने नहीं आएगा उधर, उधर अपने आप को स्टेप प्रिंट आउट निकाल के बैठे रहने का, पढ़ते रहने का, समझ रहे हो मेरे बात? फिर लोगों को कॉल कर बता देना, थोड़ा सा बहुत चैलेंजिंग होता है, बट पहला स्टेप होता है हमेशा अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। मतलब यू नेवर एक्सेप्ट कि कोई क्लाइंट आया, उसने बोला मेरे एंटिटी का ऑडिट एक्सेप्ट कर लीजिए, आप डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करोगे, पहले आप समझना चाहोगे कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी कौन से इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। अरे कंपनी में से बढ़िया रहेगा, तेरे पास उस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस नहीं है, तेरे पास भी उस इंडस्ट्री के कंप्लायंसेस का इतना ग्रेट अंडरस्टैंडिंग नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा बोल सकते हो, सर आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई विल नो एवरीथिंग। आई थिंक देर आर सो मेनी कंप्लायंसेस, एवरी वन नीड्स टू गो बैक रिविजिट देम टाइम टू टाइम। नॉट एवरी वन, मतलब अदर देन यू, आई थिंक इन जनरल अ प्रैक्टिसिंग सीए और अ क्वालिफाइड सीए विल नॉट ट्राई टू रिमेंबर एनीथिंग। वो बोलेगा मेरे पास सब रेफरेंस करने के लिए है, आई हैव टू गो बैक टू दैट, रीड दैट अगेन, अंडरस्टैंड दैट अगेन, एंड देन अप्लाई। That is how a chartered accountant will actually act. I hope you are understanding my point. So I need to be sure before accepting any company's audit, क्या मुझे उसका धंधा समझता है क्या, वो किस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है वो समझता है क्या, क्या मेरे पास लोग है क्या, क्या मेरे पास रिसोर्सेज है क्या जो ऐसा एंटिटी का ऑडिटिंग कर सकते हैं। ये समझने के बाद, सोचने के बाद मैं डिसीजन लूंगा मुझे ये कंपनी का ऑडिट एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। स्टेप नंबर वन, नोटबुक्स राइट डाउन, स्टेप्स इन ऑडिटिंग अंडर दैट, नंबर वन अंडरस्टैंडिंग Understanding the entity's business, understanding
एंटिटीज बिजनेस एंड इट्स एनवायरमेंट, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटीज बिजनेस एंड इट्स एनवायरमेंट, मतलब मुझे कंपनी का बिजनेस, उसका इंडस्ट्री, उसका ओनरशिप स्ट्रक्चर, पैसे के सोर्सेस क्या है, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। एक बार सोचो ना, लिस्टेड कंपनी आ रहा तुम्हारे पास में, मैं कोई नाम वाम कुछ नहीं ले रहे, अगर तुमको लगता है उस कंपनी में मेजर जो फंडिंग है वो गलत रूट से है, मतलब इंडिया के बाहर से आया होगा या इंडिया में ही बहुत रीरूटिंग होकर के आया होगा, बहुत लेयर्स, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। मेरा प्रॉब्लम ये, कंपनी का धंधा बढ़िया है, जो मेरे पास में आ रहा है ऑडिट करवाने के लिए वो आदमी ठीक है, पर मेरे को डाउट क्या है कि बैलेंस शीट में जो पैसा वो किधर से है। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। वो मेरे लिए आसान नहीं होगा ये डिसीजन लेना कि मेरे को ये ऑडिट एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। अगेन आपको ये बहुत आसान लगता होगा, यार क्लाइंट आया है ऑडिट दे रहा है, क्यों एक्सेप्ट नहीं करेगा आदमी, इट्स नेवर इजी जॉब। रिमेंबर व्हेन यू आर साइनिंग एंड इफ इट इज रॉन्ग उठा के लेके जाएंगे तेरे को। आई मीन दैट इट इज द टफेस्ट पॉसिबल प्रोफेशन इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द टफेस्ट, मतलब इट्स नॉट इजी बिकॉज यू आर साइनिंग ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग एंड दैट साइन इज एक्चुअली इंश्योरिंग दैट लॉट ऑफ अदर पीपल आर रिलाइंग ऑन दैट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, इट्स नॉट अ इजी जॉब। जस्ट इमेजिन एक फैक्ट बोलता है, चलो एक बहुत खास दोस्त है जो अभी एक बिग फोर में डायरेक्टर पोजिशन पे है, उसको मैं तब से जानता हूँ 2009 से जब उसने आर्टिकल जब शुरू किया था। मेरा आर्टिकलशिप 2008 में शुरू हुआ था, उसका 2009 में, अलग अलग फॉर्म में थे। वो वहां से फर्स्ट ईयर आर्टिकल से डायरेक्टर बना है, नेक्स्ट लेवल पार्टनर होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट अ बिग फोर, ठीक है। दिस गाय व्हेन ही बिकेम अ सीनियर मैनेजर, ही अटेंडेड अ इवेंट इन बॉम्बे जहां पर आपके सारे इंडिया के सीनियर पार्टनर्स होते हैं ना, वो आते हैं। वो पार्टनर भी था जो रिलायंस इंडस्ट्री पे साइन करता है आरआईएल पे। अब तक तुमको समझ जाना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब कोई ना कोई तो आरआईएल पे साइन करने वाला फर्म रहेगा, उस फर्म का पार्टनर रहेगा, अगर तुम थोड़ा कनेक्ट करने का ट्राई करो तो। इन दैट इवेंट आफ्टर, मतलब नॉर्मली जब तुम सीनियर मैनेजर बने हो, दे ऑलवेज ट्राई टू मेक यू फील तुम थोड़ा बड़ा पिक्चर रखो। व्हेन यू साइनिंग अ कंपनी क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी चाहिए, टेक्निकल एस्पेक्ट एक चीज हो गया, दूसरा एस्पेक्ट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, हाउ टू मैनेज पीपल बेटर। ये सब ट्रेनिंग वेनिंग खत्म हो गया, लास्ट में देर इज अ क्यू एन ए सेशन, क्वेश्चन आंसर सेशन। ओ बंदा द वन हु साइंस मिस्टर एक्स, उससे दिस फ्रेंड ऑफ माइन आज द क्वेश्चन, सर इट्स नॉट अ टेक्निकल क्वेश्चन, दिस अ सिंपल क्वेश्चन विच इज देयर इन माई हार्ट, हाउ डू यू स्लीप आफ्टर साइनिंग ऑन आरआईएल। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। इट्स नॉट अ इजी जॉब। इफ यू ओपन द बैलेंस शीट लुक एट द नंबर, मार्केट कैप इंडिया में कंपनी का वैल्यू इतना बड़ा नंबर है, उसका जेन्युइन गेस, हाउ डू यू स्लीप, डोंट यू फील स्केयर्ड समटाइम्स, क्योंकि एक बात सोचो, एक पार्टनर रिव्यू करेगा पर पार्टनर जाके हर चीज चेक नहीं करेगा, देयर इज अ हायरार्की। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट ईयर आर्टिकल, सेकंड ईयर आर्टिकल, थर्ड ईयर आर्टिकल, देन यू हैव एसोसिएट, रिसेंटली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, देन यू हैव इधर सीनियर एसोसिएट और असिस्टेंट मैनेजर, देन यू हैव मैनेजर, देन यू हैव मैनेजर टू, मैनेजर थ्री, सीनियर मैनेजर, देन यू हैव सीनियर मैनेजर वन, सीनियर मैनेजर टू, डायरेक्टर, एंड देन यू हैव पार्टनर। समझा क्या? पक्का? इसीलिए उसको 2009 से 2023 हो गया एक महीने में, समझ रहे हो क्या मेरा बात? इट्स नॉट अ इजी जॉब, इट्स अ टफ जॉब, एंड सर्वाइविंग इन द सेम फॉर्म इज द टफेस्ट। मतलब मेरे को पूरे शहर में 2008 से लेके आज तक कितने लोग सेम फॉर्म में टिके, तुम मेरे को नाम पूछोगे ना, सिंगल डिजिट में तो है ही है, पर मैं पांच के नाम भी नहीं बता पाऊंगा, मेरे को भी तीन मालूम है जो 2008 से लेके आज तक सेम फॉर्म में सर्वाइव किए हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट इन, मतलब मैं बड़े एंटिटीज का बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट पीडब्ल्यू, ईवाई, केपीएमजी, डेलॉयट, बीडीओ, जीटी। इट्स नॉट बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस्ड, क्योंकि वो पार्टनर साइन कर रहा है इन सबके वजह से। अच्छा एक क्वेश्चन, अगर कुछ गलती हुई पार्टनर तो रिस्पॉन्सिबल है, आर्टिकल को भी लेके जाएंगे क्या? ये क्वेश्चन लॉजिकल है कि नहीं? आइडियली है, मतलब सर सब अच्छा है, मेरे रिलायंस का ऑडिटर है वो सब ठीक है,
मेरे को भी लेके जा सकते हैं क्या? तुम मेरे को इतना बताओ, ऐसा हो सकता है क्या? क्या लगता है आपको? नहीं लेके जाएंगे आर्टिकल को? तो आर्टिकल के सब पाप माफ है ऐसा क्या? इट कम्स टिल सीनियर मैनेजर इन एक्सेप्शनल केसेस इफ इट इज एन एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ फ्रॉड वेयर समवन इज इन्वॉल्व्ड, तब तो सब जाते हैं। नहीं आर्टिकल है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। तूने फ्रॉड अगर किया है तो कोई नहीं बचेगा। बात समझ में आया क्या? इन जनरल नॉन कंप्लायंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इट कम्स टिल ओनली सीनियर मैनेजर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। बट जस्ट इमेजिन वो आदमी साइन कैसे करता होगा यार, उसका एक क्वेश्चन था। उसे बोला क्या बोला? सी तू मेरे को ऐसा पूछोगे तो आरआईएल छोड़ो, जब पहली बार साइन किया किसी कंपनी पे इतने साल तक काम करने के बाद, व्हेन आई बिकेम अ पार्टनर फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई साइन, तब भी मुझे बहुत डर लगा था। बट देन यू गेट यूज्ड टू इट। एंड ही सेड वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, दैट इज व्हाई वी आर एक्सट्रीमली केयरफुल व्हेन वी आर हायरिंग पीपल। पीपल माइट क्रिटिसाइज दैट आप इंटरव्यूज इतने खराब लेते हो, बहुत परेशान करते हो लोगों को, टॉर्चर करते हो, काम इतना करवाते हो, बट देयर इज अ रीजन। मैं उन लोगों पे इतना हेवीली डिपेंडेंट है, अगर उन्होंने सही से काम नहीं किया, आई नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू मी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट। दैट इज व्हाई ही सेड इन्वेस्ट इन योर पीपल। मतलब तुम एंश्योर करो कि तुम्हारा जो नीचे लोग काम कर रहे हैं ना, वो कुछ भी करे छोड़ के ना जाए, क्योंकि तुम्हें नए इंसान पे वापस कॉन्फिडेंस लेके आने में फिर 3-4 साल लग जाएगा जिंदगी के अंदर। तुम्हारा काम नेवर एंडिंग रहेगा। उनके लिए चैलेंज ही हुआ है कि मेरे अंदर, वो क्या बोला, अगर मेरे अंदर जो डायरेक्टर है ना, इस डायरेक्टर को मैं 10 साल से जानता हूं, इसने चेक किया है ना, तो मैं साइन करूंगा। डायरेक्टर क्या बोलता है, मेरे नीचे जो सीनियर मैनेजर है, ये 7 साल से, इसने चेक किया है ना, तो मैं करूंगा। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट। इट्स अ साइकिल पूरा का पूरा। दैट इज व्हाई मैनेजिंग योर पीपल इज अ टफेस्ट पॉसिबल जॉब। अरे टेक्निकल एस्पेक्ट तो तुम सीख ही जाओगे यार, आज नहीं 1 साल बाद 2 साल बाद कैसे ना कैसे सीख ही जाओगे। बट दिस इज द टफेस्ट थिंग, बिकॉज दे से हम टेक्निकली साउंड लोगों को कभी भी हायर कर सकते हैं, बट लॉयल लोगों को हायर करना जिन पे मैं कॉन्फिडेंट हूं। इसने अगर चेक नहीं किया, सच बोलना चाहिए उसने मेरे को, सर ये मेरे से चेक नहीं हुआ। उसने मेरे को झूठ नहीं बोलना चाहिए, नहीं मैंने कर लिया। डॉक्यूमेंटेशन स्मार्टली कोई भी कर सकता है, बट इफ यू लाई यू डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग वेयर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माय कम बैक। पॉइंट नंबर 1 समझा क्या? अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। पॉइंट नंबर टू agreeing with the terms of engagement, agreeing with the terms of engagement, agreeing with the terms of engagement. There is something called as engagement letter. Kya hota hai? It's a contract between two parties, matlab company and auditor. So audit firm bol do ya company bol do, ये एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट लेटर है या एंगेजमेंट लेटर बोलते हैं हम लोग ऑडिट में, जहां पर हमारे ऑब्जेक्टिव्स, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा फीस, टर्म्स एंड कंडीशंस, सब कुछ एक लेटर में आता है। आपके हिसाब से ये लेटर कौन बनाता होगा? क्लाइंट बनाता होगा, ऑडिटर बनाता होगा? देयर इज अ लेटर, इट इज कॉल्ड एज एंगेजमेंट। इट्स लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट, इट्स लाइक अ, तुम्हें क्या लगता है, दो ही पार्टी से, ऑडिट फर्म एंड कंपनी, हु विल प्रिपेयर द लेटर? ऑर्डर ने बनाना चाहिए या कंपनी ने बनाना चाहिए? हु शुड प्रिपेयर दिस लेटर? इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कंपनी एंड दी ऑडिट फर्म। हु शुड प्रिपेयर दिस लेटर? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक्स अ ऑडिटर शुड प्रिपेयर दिस लेटर? रेज योर हैंड्स। ऑडिटर ने लेटर बनाना चाहिए, हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट? रेज योर हैंड्स। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कंपनी शुड प्रिपेयर द लेटर? बहुत सारे तो कुछ बताएंगे नहीं। अरे एक बात बताओ, नॉर्मली सर्विस प्रोवाइडर कॉन्ट्रैक्ट बनाता है या सर्विस रिसीवर? प्रोवाइडर बनाता ना यार, जो मेरे को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसका रोज का काम है कॉन्ट्रैक्ट बनाने का। यहां सर्विस प्रोवाइडर कौन है? ऑडिट फर्म। तो ऑडिट फर्म के पास ड्राफ्ट लेटर रहता है, तुमको भी सिखाएंगे भी। वो ड्राफ्ट लेटर को हम चेंज करके अपने हिसाब से लेटर बनाते हैं, बना के किसको भेजते हैं? क्लाइंट को। दोनों ने साइन किया तो क्या हो गया? अग्रीमेंट विद द टर्म्स। अरे समझा क्या? पहले मेरे को क्लाइंट समझा कि नहीं समझा, फिर हमारे टर्म्स अग्री हुए कि नहीं हुए, फिर क्या होगा? ऑडिट शुरू होगा। क्या स्टेप 1-2 समझा क्या? थर्ड स्टेप, टाइम पास है, लिखो पॉइंट नंबर 3, ऑडिट प्लानिंग। ऑडिट प्लानिंग, पॉइंट नंबर 3, ऑडिट प्लानिंग।
आप लोग लिख क्या रहे हो मालूम है ना आपको, स्टेप्स, कि नॉर्मली एक ऑडिट को परफॉर्म करते वक्त क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने, थोड़ा तो एटलीस्ट पक्का। नंबर फोर इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑडिट प्लान, नंबर फोर इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑडिट प्लान, इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑडिट प्लान, एंड लास्ट वन ऑडिट रिपोर्टिंग एंड कंक्लूजन, ऑडिट रिपोर्टिंग एंड कंक्लूजन, ऑडिट रिपोर्टिंग एंड कंक्लूजन। देखो भी ऑडिट भी एक प्रोसेस है, हर प्रोसेस के लिए प्लान करना जरूरी है। जो प्लान बनाया उसे इंप्लीमेंट ढंग से करना चाहिए, और सब खत्म होने के बाद क्या बना के देना चाहिए, रिपोर्ट। प्लानिंग बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे, एग्जीक्यूशन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बस एक जनरल आपको मैकेनिज्म समझा दिया कि भाई शुरुआत के अंदर इन जनरल ये पांच चीजें मुझे पता होनी चाहिए। हमारा काम ही है धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी कैसे होगा मैं बताऊंगा आपको, एंगेजमेंट टर्म्स क्या होता है, कौन बनाता है, कैसे बनता है मैं सिखाएगा आपको, प्लानिंग बताएंगे, एग्जीक्यूशन बताएंगे, रिपोर्टिंग बताएंगे, यही पूरा हमारे लिए ऑडिटिंग पार्ट रहेगा। आपको बस बताना था कि भाई एक ओवरव्यू है कि नॉर्मली एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट किस तरीके से इन जनरल कंडक्ट किया जाता है, थोड़ा पांच स्टेप समझा क्या, ये डिटेल में समझ में नहीं आएगा, क्यों नहीं उसके लिए अगला बात सुनो। जैसे मैंने आपको बोला अकाउंटिंग करने के लिए वी हैव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग करने के लिए वी हैव, फॉर ऑडिट व्हाट डू वी हैव, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बोल दो या ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बोल दो। क्या आपके सिलेबस में ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं? आपके लिए तीन बुक रहेगा, मॉड्यूल वन टू एंड क्यू एन ए बुक। फिलहाल मैं फर्स्ट मॉड्यूल ओपन कर रहा हूं, हर मॉड्यूल का क्या रेलेवेंस है सब समझाएगा, आखिरी का 10 मिनट वही चीज है, 2 मिनट के लिए सिर्फ सुनो। मॉड्यूल वन यू विल सी अ लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स, सर अच्छा है मेरे सिलेबस में कितना है, आई लाइक द लिस्ट बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, प्लीज टेल मी डायरेक्टली हाउ मेनी स्टैंडर्ड्स आर देयर इन माय सिलेबस, डू यू वांट टू नो, व्हाट डू यू थिंक? देखो मेरे को पूछोगे मेरे हिसाब से सबके सब है, बट आईसीआई ने 2-2.5 साल पहले एक लिस्ट दिया फाइनली कि कुछ स्टैंडर्ड्स इंटरमीडिएट लेवल पे अप्लाई नहीं करेंगे, समझ रहे हो मेरे बात, उसमें मेरे हिसाब से 9 या 10 स्टैंडर्ड्स हैं, फिर भी 26 तो बचेगा, समझ रहे हो मेरे बात। और एक बात बोलो क्या, कुछ कुछ स्टैंडर्ड्स उन्होंने हटा भी दिए, मेरे को लगता है वो भी आने चाहिए मतलब तुमको समझ में आने चाहिए, मैं वो स्टैंडर्ड तुमको पढ़ाएगा नहीं, पढ़ाएगा नहीं समझाएगा, समझो मेरा बात ध्यान से, मैं पूरे के पूरे 36 कवर करेगा, पर्पस समझो, मैं तुमको लिख के बोलता हूं, टाइम टू टाइम रियलाइज करवाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये तुम बोलोगे आईसीआई के हिसाब से ये दोनों स्टैंडर्ड हमारे सिलेबस में नहीं है, पर मैं तुमको बोलूंगा इनके बिना ऑडिट खत्म हो ही नहीं सकता, तो मेरे को तुमको इसका मतलब समझाना चाहिए यार, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। आई एम नॉट गोइंग टू ओपन दी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, गो इन एक्सट्रीम डिटेल, आई विल नॉट डू फॉर देम, बट आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट द रेलेवेंस ऑफ दिस। देयर इज वन स्टैंडर्ड, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस 330, बट इसके बिना 2-3 प्रोसीजर समझ ही नहीं सकता यार, उन्हें रियलाइज नहीं हुआ बिकॉज व्हेन दे वर मेकिंग अ लिस्ट कुछ चैप्टर्स में ऑलरेडी है। मेरा बात सुनो, ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड तुमको जिंदगी में पढ़ने ही पड़ेंगे, आज पढ़ो, फाइनल में पढ़ो, सीए बनने के बाद पढ़ो, तुम्हारा चॉइस है। मेरे हिसाब से अब वो सीए के बाद में पढ़ने वाला स्कोप बचा नहीं है, इधर वेटेज है 60 मार्क्स का, फाइनल में वेटेज है 40 मार्क्स का, इन्हीं स्टैंडर्ड्स का, सेम स्टैंडर्ड फाइनल में भी है, एडवांस वर्जन, एडवांस ऑडिटिंग बोलते उसको, समझ लो क्या मेरा बात, सेम ही चीज है। और मेरा प्रॉब्लम क्या तुमको बोलता हूं, मैं एक स्टैंडर्ड पढ़ा रहा है, मुझे मालूम है इतना ही रेलेवेंट है इंटर के लिए, क्लियरली बोल रहे हैं, और मुझे मालूम है ये इनकम्प्लीट है, तेरे को मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, इसका इंपैक्ट क्या आएगा ऑडिट रिपोर्ट पे नहीं बताऊंगा,
क्यों फाइनल में आएगा? क्या सस्पेंस में छोड़ दूं 3 साल के लिए? मतलब जब मैं बता सकता हूं इसका ये आउटकम आने वाला है और तेरे को समझेगा, मेरे को मालूम है चीज, बता तो सकता हूं ना यार, इतना तो कर सकता हूं ना यार। मैं ये नहीं बोल रहा है ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट में जाके हर पेज को पढ़ाऊंगे, नहीं करो, आई विल नॉट डू दैट, आई अंडरस्टैंड इट इज टफ फॉर यू, बट इट इज नॉट दैट टफ टू अंडरस्टैंड द रिमेनिंग पार्ट। इफ द अंडरस्टैंडिंग इज क्लियर, फायदा तुमको ही होगा ना जिंदगी में आगे यार। तो सर अब हमारा पढ़ने का मैकेनिज्म कैसा रहेगा? आउट ऑफ 36, 26 तो शॉर्ट शॉर्ट सिलेबस में है, हम पूरे 36 का अंडरस्टैंडिंग लेंगे, 26 जो सिलेबस में उनको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी का अच्छा अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन आई विल एक्सप्लेन यू विद एग्जांपल्स। इज दैट क्लियर टू यू? फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स क्लोज योर नोटबुक्स जो तुम्हारे हाथ में है, शांति से पूरा मेरा बात सुनना अच्छे से, पहले ही बोल रहा हूं फर्स्ट डे, सुन लेना अच्छे से। बातें मत करो बेटा, सुन लेना। एवरीवन देखो, आईसीएआई ने तुम्हारे लिए चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 13 13 चैप्टर बना के दिए, 13 चैप्टर्स। ये तो हो गया 2 मॉड्यूल जिनमें चैप्टर्स हैं, प्लस उन्होंने तुमको दिया है ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट्स। इट इज नथिंग बट माय एसेज, एसेज आर माय स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट का बुक अलग से दिया है आपको, और चैप्टर्स जो हैं वो 2 मॉड्यूल में अलग से दिए हैं, 1 to 13। एसेंशियली आपका जो सिलेबस है ना वो ये है, बट क्या है ना, आपको बहुत बात बोलता हूं, जब उन्होंने चैप्टर्स बनाए हैं लाइक चैप्टर 1 to 13, आउट ऑफ दिस, जस्ट 1 सेकेंड, कैन यू लिस्ट ऑफ चैप्टर 1, 2, 13 पूरे दिख रहा हूं, दिखेंगे 13 तक पूरे के पूरे। इसमें आप नोटिस करेंगे तो चैप्टर 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 5, 7, 8, ये सब कुछ पता है क्या है? एसेज ही है। वो चैप्टर लिखने वाले ने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को रखा, उससे चैप्टर बनाया। फिर जो ऑडिट रिपोर्ट है ना, एसेज, मतलब लिटरली अगर आप मुझे पूछोगे 7 चैप्टर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एसेज हैं। समझा क्या मेरा बात? फिर ये जो चैप्टर भी है ना, रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल, ये 50% ऐसे है, 50% ये ऐसे है, इंटरनल कंट्रोल का पूरा पार्ट आ गया, ऐसा कैसा कंट्रोल सी कंट्रोल वी। एक बात सुनो, देर आर 2 वेज टू स्टार्ट दिस सिलेबस। चैप्टर 1 हेडिंग बाय हेडिंग जाएंगे, डिस्कशन करेंगे, लिखते जाएंगे, समझ जाएंगे, समझ सकता है, मेरे को रास्ता पसंद नहीं है, प्रॉब्लम है उसके अंदर, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी आ जाएगी। मैं आपको लिख के बोलता, तुम मॉड्यूल ओपन करो, पहला 5 पेज पढ़ो, समझ में आ जाएगा, नहीं हो सकता है। आई नो दिस, देयर इज अ रीजन, ये पूरा एक प्रोसेस है, ऑडिटिंग इज अ प्रोसेस, याद है क्या, स्टेप 1 to 5। जब तक ये प्रोसेस समझ में नहीं आएगा ना, आधा चैप्टर से समझ में नहीं आएगा, तुमको क्या करने का है, मेरा बात सुनने का। मैं चैप्टर शुरू ही नहीं करेगा, मैं जाएगा मॉड्यूल 1 में। माय मॉड्यूल 1 इज नथिंग बट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, इज नथिंग बट माय एसेस। सारा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स फर्स्ट मॉड्यूल में, हम सीक्वेंस में, वो ऐसा भी नहीं है जैसे 200 होता है, 210 होता है, तो पहले 200 शुरू करूंगा, उसमें भी प्रॉब्लम है, नहीं समझ सकते डायरेक्टली, ऐसा साउंड तुमको करेगा एरोगेंस, पर मेरे को मालूम है, मैंने एक मैकेनिज्म बनाया है जिससे मेरे को लगता है तेरे को समझ सकता है, तो मेरा अपना सीक्वेंस है। मैं शायद पहले रिपोर्टिंग में चले जाऊंगा, जो 5वां स्टेप था ना रिपोर्टिंग वाला, तुमको डर लगेगा, पर जाऊंगा, फिर मैं सडनली 200 में आ जाऊंगा, फिर थोड़ा 500 में जाऊंगा, फिर 300 में आऊंगा, उससे मैं ही गारंटी करता हूं, अगर तुम वो फॉलो करोगे, एट द एंड ऑफ 30 डेज तुम्हें सारा स्टैंडर्ड्स, पूरा ऑडिटिंग का प्रोसीजर सब समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। सर इससे प्रॉब्लम क्या है? मेरा आईसीए मॉड्यूल, इफ आई ओपन द मॉड्यूल इन चैप्टर, सर आप कुछ भी बोलो, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा मॉड्यूल में जो हेडिंग है वो, विल आई बी एबल टू आंसर दैट?
प्लीज लिसन टू मी, आई हैव केप्ट मॉड्यूल्स इन फ्रंट ऑफ मी। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का मेरा जो समरी है, हर एक स्टैंडर्ड में इट हैज टेकन मी लॉट ऑफ ईयर्स एंड ओवर पीरियड, आई विल स्टिल नॉट से इट इज परफेक्ट, इट टेक्स टाइम इन लाइफ, बट मैं वहां तक पहुंचा जहां मेरे को मालूम है चैप्टर वन के अंदर ऐसे 210 में आईसीआई ने 5 क्वेश्चन दिए, मेरे 210 में ये 5 ऐसा कैसा होना चाहिए, उसके अलावा कुछ है दैट्स अ डिफरेंट थिंग। समझा क्या मेरे बात? मतलब जो जो हर एक वर्ड जो आपके मॉड्यूल में है सब कुछ यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। समझा क्या मेरा बात? और मैं आपको बिल्कुल लॉजिकल 210 स्टैंडर्ड जब शुरू करूंगा एक स्टैंडर्ड, उसमें क्या लॉजिकली क्वेश्चंस बन सकता है, पूरा उसका मैकेनिज्म क्या है, समरी पूरा चलते रहेगा। आज तुमने देख लिया होगा बेसिक लेवल पे भी अपन लिख रहे हैं, तो आगे जब स्टैंडर्ड जाएगा तो लिखना ही पड़ेगा। इट्स अ हैबिट विच यू नीड टू डेवलप, इट इज इंपॉर्टेंट। डू यू गेट माई पॉइंट? तो आपको वो लिखना पड़ेगा और पहले 30 दिन में हम सिर्फ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स खत्म करेंगे। तो आपको डर लगेगा सर 30 दिन बाकी है, 13 चैप्टर पेंडिंग है। समझा क्या मेरा बात? फिर मैं आऊंगा मॉड्यूल 2 पे, आओ जरा मॉड्यूल 2। टू गेट द नेम ऑफ चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 क्या लिखा है? ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट प्रोग्राम। ठीक है, खत्म। मैंने ऑलरेडी उस दोनों चीजों को परफेक्ट पिक करके दोनों स्टैंडर्ड पढ़ा दिया होगा। फिर मैं जाऊंगा चैप्टर 3 पे, खत्म। समझा गया मेरा बात? तुम मॉड्यूल में जाके किसी भी पेज पे कोई भी क्वेश्चन ढूंढ लेना, सब मैच होगा, बट इस बार तेरे को समझा होगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूं। कुछ भी मतलब कुछ भी, आई चैलेंज। समझा गया मेरा बात? मैंने बहुत एफर्ट डाला, मेरे को मालूम है ऐसा पॉसिबल है, और कहीं कहीं जगह जैसे यहां तक खत्म होता है, मेरे को मालूम है एक क्वेश्चन फाइनल में आता है, मैंने वो भी डाल दिया। क्यों? क्योंकि हर बार कभी ना कभी 4 अटेम्प्ट में एक पेपर ऐसा आता है, May 22, जब एक क्वेश्चन गलत स्कैनर से आ जाता है, फाइनल का डंप आईसीआई के पास में, इंटर का। समझा क्या? पर तेरे को आएगा और आना ही चाहिए ना यार, मतलब क्योंकि मेरे को मालूम है पॉसिबल है तेरे लिए। बात समझ में आया क्या? स्टार्ट अलग रहेगा पूरा का पूरा, एट द एंड ऑफ द डे 1 to 13। एंड मैं तुमको ये भी बोलूंगा, तेरे को चैप्टर 1 to 13 ही पढ़ने का है, बस 1 to 13 के बीच में जो चैप्टर मैंने ब्लैंक कर दिए वो सब तेरे नोटबुक में लिखा हुआ है, तू उतना पढ़ लेना, इट विल बी सॉर्टेड फॉर यू। डू यू गेट माई पॉइंट? मतलब सर अपना जो मॉड्यूल 1 रहेगा दैट इज नथिंग बट ओनली एसेज, माई मॉड्यूल 2 विल इंक्लूड ऑल दीज चैप्टर्स 1 to 13। सर इसमें से कुछ कुछ तो नाम के लिए है क्योंकि अंदर कंटेंट गायब है, वो किधर आ चुके हैं ऑलरेडी मॉड्यूल 1 के। एंड ये भी बोलता हूं एक चीज, पहले मेरे बुक में बहुत ही ज्यादा डिटेल में ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स थे, मैंने बहुत कम कर दिए अभी, सच्ची बोल रहा है ऑनेस्टली, क्योंकि मेरे को समझ में आया अभी बच्चे का जो सिलेबस लेवल है वो इतना बढ़ गया है, स्ट्रेस इतना बढ़ गया है, सब कुछ वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। मैंने भी एक्सेप्ट किया इस चीज को, इसीलिए वो 400 पेज से 350 पे आ गया। समझ रहे हो मेरा बात? 50 पेज मतलब ऑडिट रिपोर्ट अलग थे, वो भी कम कर दिए हैं, मतलब आई हैव कम डाउन वे टू सिग्निफिकेंटली बिकॉज आई नो दिस मच इज ऑल्सो सफिशियंट। और मैं ये तेरे को खुलेआम बोलता है, फाइनल का आईसीआई का पेपर निकालेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 इज योर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, 4 में से 3 पक्का तेरे को समझेगा और तू आंसर भी लिख पाएगा। देखने के लिए नहीं बोल रहा, करके दिखाऊंगा। बात समझ में आया क्या? प्योर अंडरस्टैंडिंग है, कुछ अलग नहीं है। इज दैट क्लियर टू यू? मॉड्यूल 1, 2 और थर्ड मॉड्यूल क्या है तुम्हारा? कुछ क्वेश्चन आंसर, बहुत क्वेश्चन है उसके अंदर आइडियली। सर मतलब मुझे इसके बाद में आईसीआई मॉड्यूल रेफर करना है? इफ यू वॉन्ट यू कैन, बट माई रिक्वेस्ट टू यू, डोंट ओपन फॉर एटलीस्ट फर्स्ट 30 डेज। इफ यू ओपन फॉर फर्स्ट 30 डेज, वॉट आई एम टॉकिंग इट इज सेम, बट यू वॉन्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई वेर इट इज। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? तेरे को मिलेगा नहीं, इतना समझा क्या? पक्का श्योर? और तेरे को क्या बोलना था ऑडिटिंग? अच्छा हाँ, एक चीज और प्लीज, ये आपको बेयर करना पड़ेगा, आपको डेवन पे बता रहा हूं। जब मैं ऑडिट रिपोर्टिंग पढ़ा रहा हूं आपको, तो मेरा एक नेचर है, मैं ऑडिट रिपोर्ट्स पे चले जाऊंगा,
मैं सब पढ़ाऊंगा, लिखवा के दूंगा, बट आई विल टॉक अबाउट एक्चुअल ऑडिट रिपोर्ट्स। मैं अपने आप को रोक नहीं सकता हूं, क्योंकि मेरे को मालूम है मैं जब बोलूंगा तेरे को समझ में नहीं आएगा। तो अगर मैं कोई ओपिनियन के बारे में बात कर रहा है, मैं स्पाइसजेट के रिपोर्ट में जाके ही बात करें, और एक बार के लिए नहीं, मेरा पूरा रिपोर्टिंग ऐसे ही जाएगा, ऐसे ही जाता है, तभी मेरे को लगता है कि तेरे को आता है। क्योंकि देखो इंट्रोस्पेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमको ऐसा लग रहा होगा, वंस दिस इज डन, व्हेन आई एम ड्राइविंग बैक होम एज ए टीचर आई डोंट नो अबाउट अदर पीपल, मेरे दिमाग में थॉट आता है आज जो मित्र सरा बोल के आया, उसमें से उसको क्या समझा होगा, क्या कुछ ऐसा पार्ट रह गया होगा जो मेरे को लगता है शायद मैंने टच भी नहीं करना चाहिए था, या मैंने बहुत ज्यादा बात कर लिया होगा। मतलब आई डोंट नो, दिस इज माय पर्सनल क्वालिटी, मेरे को आदत है वो एवरीडे बेसिस पे सोचने का, आई स्टिल डू दैट। आई डोंट नो, मे बी एज अ थियरी टीचर मैं ज्यादा कॉन्शियस है इसके बारे में, आई थिंक अबाउट इट, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है यू आर एट दैट एज नो, टू मच गिवन टू यू कैन ऑल्सो बी चैलेंजिंग, यू मे एंड अप मिसिंग आउट द, एंड इन ऑडिटिंग इट इज वेरी हाईली पॉसिबल बिकॉज इट इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली ओपन एंडेड सब्जेक्ट। बात समझा क्या? हाँ, वंस आर मेजर पार्ट ऑफ सिलेबस इज ओवर, विल डू टू थिंग्स, कुछ एमसीक्यू जो आईसीएआई के वो डिस्कस करेंगे, कुछ करेक्ट इनकरेक्ट जो एक्चुअल एग्जाम्स में आए हैं लास्ट चार पांच अटेम्प्ट के अंदर वो डिस्कस करेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन जो मैं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा रहा है साथ साथ में डिस्कस करूंगा, बिकॉज मुझे लगता है वो क्वेश्चन से तेरे को स्टैंडर्ड बेटर समझेगा, देयर आर गोइंग टू बी सम सिनेरियोस नॉट एवरीवेयर, वो वैसे रन करेगा। इज दिस क्लियर टू यू? पक्का? एवरी डे वी शुड बी एबल टू स्टार्ट द लेक्चर बाय 125, 115 लिखा है मैंने, मुझे मालूम है, बट बाय द टाइम पीपल विल कम, दे विल सेटल, आई विल बी एबल टू स्टार्ट। ओ 11, अरे ओ लास्ट बैच तक 1 o'clock था, ओ सॉरी, हाँ 11, आई टेक माई वर्ड्स बैक, ऑडिट स्लॉट वॉज ऑलवेज आफ्टर लंच नॉर्मली। हाँ हाँ, यू हैव नो क्लू हाई हैव, मैं कैसे डील किया उससे, लंच के बाद 2 घंटा, मतलब आई यूज टू स्किप लंच, मैं ब्रेकफास्ट लंच साथ में करता था 11 बजे, अगर मैंने खाया तो मेरे को नींद आ जाएगा यार, समझा गया मेरा बात, तुम्हारा तो अलग ही प्रॉब्लम है। एक चीज, पानी का बॉटल, च्युइंगम खाने के लिए, कुछ भी खाने के लिए चलेगा, परेशान किसी को करने का नहीं, बट यू टू स्टे अवेक, जो लिखवा रहा है लिखते रहने का, पड़ोसी को परेशान करने का नहीं, बहुत नींद आ रहा है ऐसा लग रहा है, अरे होगा, खुद बोलता हूं 15-20 दिन बाद कभी ना कभी ऐसा दिन आएगा, आज भी आ सकता है, हो सकता है, पॉसिबल है, यू आर हियरिंग अ डिफरेंट वॉइस, इट्स पॉसिबल, बट मैं डांस तो कर नहीं सकता तेरे को एंटरटेन करने के लिए, तो अगर ऐसा होगा यू हैव टू एंटरटेन योर सेल्फ, दैट मीन्स यू हैव टू कीप योर सेल्फ अवेक, तुमको मेहनत करना पड़ेगा, मतलब मैं काम का बात कर सकता है, इज दैट क्लियर टू यू? अच्छा वन मोर थिंग, लास्ट 1:30 हो गया डॉट, अभी पीछे दोज़ आर सिटिंग देयर, विल डू टू थिंग्स मोस्टली बाय टुमारो और मे बी अ डे एक्स्ट्रा, देयर इज ओनली वन टीवी देयर, विल ट्राई ऑन एवरी पिलर एटलीस्ट विल पुट वन बिग स्क्रीन फॉर यू गाइज, ताकि तुमको प्रॉब्लम ना आए उसके अंदर, नंबर वन। नंबर टू, तुमसे एक कोऑपरेशन और चाहिए, सुन लो प्लीज, आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल ना समझें एसी को ऑन ऑफ करने के लिए, समझ रहे हैं मेरा बात? अतुल विल बी देयर और सम अदर पर्सन विल बी देयर, आप उनको बोल दीजिए रहेगा, मैं आपको उल्टा बोलता है, अपना एक जैकेट मतलब कंबल जो भी है तुम्हारा कैरी करो साथ में, तुम्हें लग रहा है ठंड लग रहा है पहन लो, समझ रहे मेरा बात, नहीं ठंड लग रहा है हटा दो, समझ रहे हो मेरा बात, क्लियर है क्या? सब लोगों के हिसाब से मेरे को परफेक्ट टेम्परेचर चाहिए, वैसा नहीं हो सकता है, इज दैट क्लियर टू यू? आर वी गुड? सी यू गाइस टुमारो, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, एंजॉय।